में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः ॐ विष्णुपदाय नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन् इति नामिने गोस्वामिन् इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय अर्जुन जी महाराज की जय जय जगदूशिल प्रभुपाद महाराज की जय जय श्री गुरु महाराज की जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय हिताय गौर ते मनते हरि हरि बोल हरि हरि बोल व्यास प्रभु जी की जय। तो सभी भक्तों का माताओं का आज की श्रीमद् भगवद गीता क्लास में भाग लेने के लिए अभिनंदन स्वागत और धन्यवाद है। श्रीमद् भागवतम का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक है गीता का सार।
और श्लोक संख्या है 16। सभी दोहराने का प्रयास कीजिए। नास्तो विद्यते भावो, नास्ते विद्यते भावो, नास्तो विद्यते भावो, नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्ट अंतस्तो, अभयोरपि दृष्ट अंत 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 दृष्ट अंत अंतस्तो आधा अंतस्तो, उभयोरपि दृष्ट अंतस्तो, अभयोरपि दृष्ट अंतस्तो, अन्वो अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः, तान्योस्तत्त्वदर्शिभिः, अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः, तान्योस्तत्त्वदर्शिभिः। नीचे संधि विच्छेद जो अलग अलग है उसमें आप देख सकते हैं उसमें क्या शब्द है। जब उसमें त आधा है और फिर व है तो उसमें तो और अन्यो अन्यो शब्द से अन्यो तत्त्वदर्शिभिः, अन्यो दर्श तत्त्वभिः, अन्यो तत्व दर्शिभिः, अन्यो तत्व दर्शिभिः। नास्तो विद्यते भावो, नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते सत्यः, उभयोरपि दृष्ट्यो अंतस्तो, अभयोरपि दृष्ट अंतस्तो, अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः, अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। आप में से कोई प्रयास कीजिए पढ़ने का। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ना सत्यो भवते भावो, ना भावो विद्यते सत्यः, उभयोर अपि दृष्ट अन्यो दृष्ट अंतस्तो तान्यो तथा दर्शिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अंतस्तु अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। एक कोई और भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते स्त, उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्तव अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। अंतः अंतस्तव 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 हाँ फिर अन्यो अन्यो तत्व दर्शिभिः दर्शिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अनुवाद दोहराइए मेरे पीछे। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है। चिर स्थायित्व नहीं है किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा
प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, यह निष्कर्ष निकाला। इस श्लोक का पिछली बार भी चर्चा हुई थी इस पे थोड़े। इसमें भगवान कृष्ण जो मुख्य रूप से यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे लोग जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टरी की फील्ड के अंदर चलता है या साइंटिस्ट है, जैसे नासा है या इस तरह के, वहां पे साइंटिस्ट क्या करते हैं, तरह तरह से रिसर्च करते रहते हैं। और रिसर्च करने पे जो भी वो अनुसंधान में जो भी अगर कुछ नया कुछ अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया कुछ जानकारी हासिल करते हैं, तो फिर संसार से वो अपनी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि देखिए हमने इस तरह से एटम के बारे में या ऐसा कोई अन्य कुछ हमने और निकाला है, इस पे जानकारी हासिल की है। ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी इस ऐसे लोग हैं जो केवल इस आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को और अधिक इसको स्टडी करने में लगे रहते हैं स्टडी करने, और फिर स्टडी करके जो उनके रियलाइजेशन है, जो उनके अनुभव हैं, उसको आगे शेयर करते हैं, बांटते हैं संसार के जो लोग भगवत पथ पे उन्नति करना चाहते हैं उनके साथ में। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं इस तरह के विद्वान लोग, इस तरह का बुद्धिजीवी वर्ग जो इन वैदिक ग्रंथों पर और अधिक मंथन करने में लगा है इसमें, तो उनका ये निष्कर्ष निकाला गया है उनके द्वारा कि जो असत है, असत का मतलब जो सत्य नहीं है या जो नश्वर है या जो सदा रहने वाला नहीं है, परमानेंट नहीं है, जिसका निश्चित रूप से एक समय के बाद नाश होगा ही, और वो असत किसको गिना गया है यहाँ पर, भौतिक शरीर को, जिस शरीर को हम शाश्वत मानकर या हम सोचते हैं जितने जानते सभी लोग जानते हैं कि ये शरीर परमानेंट नहीं रहेगा, और 100 साल भी रहना मुश्किल है इसका रह पाना, 100 साल भी, उसके बाद भी आप देखिए सुबह से लेकर रात तक का संघर्ष किसके लिए है, ये दौड़ जो समाज में चल रही है, क्या ये आत्मा के लिए है, क्या परमात्मा को जानने के लिए है, या फिर केवल शरीर और शरीर की सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए है। तो लगभग सारा का सारा समाज इसी दौड़ में लगा हुआ है, जानते हुए कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर पर हमें नहीं रह पाएगा एक समय के बाद में, 100 साल भी पूरे काटने मुश्किल है इसके, उसके बाद भी इस शरीर और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुबह से लेके रात तक का हमारा सारा चिंतन, सारी दौड़ केवल मुख्य रूप से इसी शरीर की सुविधाओं पर केंद्रित है, या जिसे कह सकते हैं मैं और मेरे पर केंद्रित है। मैं शरीर से अपनी पहचान कर लेना कि ये मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों को मेरा मानकर बस इसमें लगे हैं, किसी भी तरह से इस शरीर को और शरीर से संबंधित व्यक्तियों को उनको संतुष्ट करने के लिए दौड़ रहे हैं, और अधिक पैसा कमाओ और अधिक संघर्ष करो और अधिक इसी सब में अपने कैसे जीवन को और अधिक सुविधाजनक तरीके से जिया जा सके। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, ये अभी ये नहीं कह रहे कि ये मेरा व्यू है, तो जबकि वो कहते हैं जो तत्वदर्शी हैं वो भी यही बात समझते हैं, इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, कि ये शरीर सदा रह सकेगा ऐसा कोई उनका निष्कर्ष भी यही है कि ये नश्वर परमानेंट सदा नहीं रह पाएगा शरीर, किंतु सत जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सदा रहने वाला है, जिस सत को संबोधित किया है आत्मा से कि वो आत्मा अपरिवर्तित रहता है, चाहे शरीर 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, लेकिन आत्मा में
कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन, वो वही का वही, वैसे का वैसा ही है आत्मा। उस आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के, इन दोनों का नेचर स्वभाव जो है, इस भौतिक शरीर का स्वभाव नेचर क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है, दोनों के स्वभाव को अच्छे से अध्ययन किया पहले उन विद्वान लोगों ने, उन तत्वदर्शियों ने, और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पर अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन यहीं पर ही इस भौतिक शरीर और आत्मा के अंतर को ठीक से समझ नहीं पा रहा, इसीलिए अर्जुन के मन में शरीरों के प्रति आसक्ति जाग रही है और आत्मा के प्रति पूरी तरह से, जिसे कह सकते हैं, इग्नोरेंस, अज्ञान में है कि ये आत्मा शाश्वत है, सदा रहने वाली है। तो भगवान कृष्ण कहते फिर दुख किसके लिए कर रहा है, और शरीर जब है ही नश्वर तो दुख किसके लिए कर रहा है। लेकिन अर्जुन का मोह, अर्जुन की आसक्ति उसको अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक रही है। उसकी आसक्ति मोह ऐसी चीज है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। सारे शरीर में व्याप्त है, सारे शरीर में कौन व्याप्त है? आत्मा तो सारे शरीर में व्याप्त नहीं है। आत्मा कहाँ व्याप्त है? आत्मा रहता है हृदय के अंदर, जिसको भगवद गीता में भगवान, तो सारे शरीर में क्या व्याप्त है? उस आत्मा का जो तेज है, जिसे आप चेतना कह सकते हैं, उस आत्मा की चेतना जो है, आत्मा से जो चैतन्य शक्ति, वो प्रकाश निकल रहा है, वो पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, पूरे शक्ति को, शरीर को वो चेतना प्रदान कर रहा है। जैसे सूर्य एक जगह एक स्थान पर स्थित है तो, लेकिन वहां से प्रकाश पूरे संसार को दे रहा है, उस सूर्य की चेतना पूरे संसार में फैला हुआ है प्रकाश। ऐसे ही आत्मा जो है वो इस सारे शरीर में क्या कर रहा है, सारे शरीर में जो व्याप्त है उसे भगवान कृष्ण कहते हैं तुम अविनाशी समझो, उसका किसी भी तरीके से नाश नहीं हो सकता, उस आत्मा का या उस चेतना का, आत्मा से आने वाली उस एनर्जी का, किसी भी तरह से वो हमें अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाले नहीं है, जिसके लिए तुम्हें दुखी होना पड़े कि हाँ ये तो नाश हो जाएगा, आत्मा की तो मृत्यु हो जाएगी या उस चेतना की, वो तो मृत्यु, लेकिन वो तो शाश्वत सदा रहने वाली है और पूरे शरीर में जो व्याप्त है, उस अव्यव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर भगवान कहते हैं उसको, अव्यव आत्मा को कोई किसी कैसे भी तरीके से नष्ट करना चाहे, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यहां तक कि एक तरफ कहें तो भगवान कृष्ण भी उसे नष्ट नहीं कर सकते आत्मा को, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही वो अंश है, भगवान शाश्वत हैं, सत्य हैं, सदर, ऐसे ही वो आत्माएं भी सभी शाश्वत हैं, असंख्य जीवात्माएं। जब तक बद्धावस्था में है तब तक वो जीव या जीवात्मा कहलाती है, जब वो भव बंधन से मुक्त हो जाती है, अपने इस आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को पूर्ण तय कर लेती है, भक्ति मार्ग को, तो परिणाम में फिर वो आत्मा या मुक्त आत्मा कहलाती है। और यहां पर उस आत्मा की प्रकृति के बारे में या उस आत्मा के बारे में श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन किया है कि ये आत्मा कैसी है, बाल के अग्रभाग, जो आगे का नोक है बाल का अग्रभाग है, उसका 10,000 हिस्से किए जाएं बाल की नोक के टिप के, उस नोक के, तो वो 10,000 हिस्से करने पर वो 10,000 जो है वो आत्माएं हैं, वो एक जो छोड़ वो एक आत्मा है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान वेदव्यास जी ये वर्णन कर रहे हैं। ये प्रत्येक जो भाग है 10,000 हिस्से करने पर,
वो आत्मा का परिमाप है। आत्मा को इस तरह से ही आप इसको नापना ऐसे समझ सकते हैं आत्मा के बारे में। और फिर इसी बात को आगे वर्णित, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। और मुंडक उपनिषद में और अधिक इसको विस्तार से बताया गया है कि आत्मा आकार में अणु तुल्य है, एक अणु के तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। जिसकी बुद्धि पूर्ण है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वही उस आत्मा के आकार को जान सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। हृदय के अंदर 5 प्राण, 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 तरह की वायु है, हवा, उसमें ये तैर रहा है आत्मा, उसमें स्थित है। और ये 5 प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान यह हृदय में के भीतर स्थित है। और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। है हृदय के अंदर उस 5 प्राणों के बीच में तैर रहा है, लेकिन पूरे शरीर के अंदर ये अपनी उस शक्ति को संचरित करता है, चेतना को अपने प्रभाव का विस्तार करता है पूरे शरीर में। जब आत्मा को 5 वायुओं के, 5 तरह की वायु जो हैं, जिनके नाम पर बताए हैं, इन 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव तब प्रकट होता है। और फिर इसके लिए हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। अगर उसको योग मार्ग के उसमें देखा जाए तो हठ योग कहते हैं, जैसे एक आसन लगाकर बैठ जाना और उसमें कैसे भी करके, अगर कि मेरे को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उठना ही नहीं उस जगह से, या कई बार तो कई कई दिन योगी बैठे रहते हैं, या फिर कोई सिर नीचे करके, पैर ऊपर करके इस तरह से खड़े रहते हैं। कोई एक बाजू को हमने कुंभ के मेले में देखा, एक साधु ने बाजू ऊपर कर रखी थी, और वो जब पूछा तो 18 साल या कितने सालों से बाजू ऊपर ही की हुई है, और पूरी बाजू सूख गई है, बिल्कुल केवल हड्डी रह गई और मांस केवल नाम मात्र का होगा। ऐसी एक और मिले, वो जब पूछा महाराज जी ने हमारे सामने उनसे, वो एक टांग को ऊपर उठाए हुए हैं और कई सालों से ऐसे ही खड़े हैं, 18-20 साल से। पूछा तो कहते गुजरात से हैं, खड़े खड़े ही सोते हैं, खड़े के ही बैठते नहीं है, उनका वो टांग ऐसे जैसे सूख गई हो ऐसा हो गया। तो ये है हठ योग, हठ करके उस चीज योग करना। तो यहाँ पर बताया है ऐसे योगी जो हठ योग के द्वारा, वो तरह तरह के आसनों के द्वारा इस 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। वास्तव में योग के पीछे भावना ये होती है कोई भौतिक लाभ बदले में नहीं, जैसे कई बार लोग सिद्धियां चाहते हैं, अनिमा, लंगिमा, इस तरह की सिद्धियां, अष्ट जो है, वो सिद्धियों के चक्कर में भी हठ योग करते हैं कई साधु। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में योग अगर कोई करता है तो योग के पीछे भावना क्या होनी चाहिए, भौतिक आकाश के इस बंधन से जो जन्म मृत्यु के चक्र में जीव फंसा है, उस अणु आत्मा की मुक्ति के लिए योग करना, वो बात समझ। लेकिन आज के समय में जब शरीर इस तरह के विलासी या इस तरह के बन चुके हैं, उसमें विचार करके अगर देखें, थोड़ी भी देर व्यक्ति से बैठा नहीं जाता। अब योगी तो सब तरफ से मन को हटा के, पता चला गुफाओं में बैठा है, जंगलों में बैठा है, सैकड़ों कई कई सालों तक वहां बैठा हुआ है। लेकिन आज क्या है, हम योग शब्द तो सुन लिया तो हम सोचते हैं संसार में रहते हुए, उन सब विषयी जीवन के बीच में रहते हुए हम तो योग करेंगे। अब वो योग शब्द को रट लिया, रामदेव जी ने भी रटा दिया ऊपर से योग को। अब वो योग के नाम पे रामदेव जी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना दुकानदारी चल रही है।
अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वो कर रहे हैं, लेकिन योग का वास्तविक अर्थ क्या है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में अणु आत्मा की मुक्ति के लिए जो किया गया योग है वो योग है। लेकिन विचार करें कि मुक्ति के लिए वो योग हो और वो केवल शरीर के व्यायाम को करा रहे हैं रामदेव जी, और फिर हर थोड़े दिन में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइज जैसे ही करते हैं तो परिणाम प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है, जैसे टीवी पे वो आते हैं उस प्रोडक्ट को लेके। लेकिन आध्यात्मिक जीवन, इस अध्यात्म के योग को या इसको किस तरह से कैश किया जा रहा है। अब वो सारे प्रोडक्ट जो है उनके उसके ऊपर पतंजलि शब्द लिखा है। अब वो पतंजलि ऐसी लोकेशन में हम देखते हैं, साबुनों पे लिखा है, अगर टॉयलेट के लिए मैं उसमें कोई ले जाता है साबुन को, वो पतंजलि शब्द जो है, पतंजलि ऋषि जो हुए हैं, हमने गुरु महाराज से सुनी ये बात, पतंजलि ऋषि जो हैं भगवान बलराम जी, जिनकी बलराम जी की जयंती आ रही है, उनका प्रगट उत्सव, भगवान बलराम जी के आगे वो एक्सपेंशन है, बलराम जी से आगे उनके अंश, और वो प्रोडक्ट्स पे लिखा है, जगह जगह उसको काट के वो डस्टबिन में लोग डाल देते हैं। कभी हम लाते भी हैं तो उसके बिस्किट के कवर भी हम अलग से रखते हैं, एक उसमें डस्टबिन में नहीं फेंकते, और उसको जाके फूलों के बीच में फिर प्रवाहित करवाते हैं, क्योंकि उसमें पतंजलि शब्द लिखा हुआ है। लेकिन लोग इन सब बातों का विचार नहीं करते। इस तरीके से कई तरह के अपराध होते रहते हैं, लोग कह लीजिए अबोध है या उनको कोई समझाने वाला इन बातों को नहीं, और लोग भी चल रहे हैं। जब वो पैकेट को खोलना होता है तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि पतंजलि शब्द के ऊपर सीजर ना चले, वहां पर कहीं कट लग जाए, क्योंकि पतंजलि जो ऋषि हैं उनका वो शब्द, उनके नाम का संबोधन है वो। तो कैसे आध्यात्मिक जीवन में छोटी छोटी बातों पे कितना ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी, फिर वो पैरों में ना पड़े ऐसे। लेकिन ये उन नामों को करके उसको अपने उसके लिए कर रहे हैं लाभ के लिए, लेकिन उस बारे में कोई सोच नहीं है, कहीं प्रोडक्ट्स में लिखा नहीं कि इसको पैरों में मत फेंकिएगा, इसको कहीं प्रवाहित कीजिएगा, इस तरह को कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है उसके ऊपर, जबकि उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए इस बात की, अगर वो अपराध से बचना, नहीं तो अपराध उनको तो पहले लगेगा दोष इसका। तो इस तरीके से ये बातों का विचार करने, इसको समझने के लिए यहाँ पर योग शब्द जो है वो वास्तव में है कि इस भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है योग। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, सभी वैदिक साहित्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि शरीर में वो आत्मा है उपस्थित, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो व्यवहारिक रूप से अगर इस आध्यात्मिक जीवन में चलते हुए अगर इस मार्ग में गंभीरता से चलता है भगवद गीता में बताए गए मार्गदर्शन में, तो निश्चित रूप से वो उसका अनुभव करता है कि हाँ, शरीर में वो चैतन्य शक्ति है जिस शक्ति से शरीर कार्य कर रहा है, इंद्रियां कार्य कर रहे हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वो ऐसा सोच सकता है नहीं जी, आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, वो आत्मा ही विष्णु तत्व है और यही विष्णु, उनको भगवान मानकर, जैसे आजकल चला है दरिद्र नारायण शब्द, प्रभुपाद जी करते थे कि नारायण जिनके चरणों में सहस्त्र लक्ष्मी जी रहती हैं सेवा में, परिणाम में उनके साथ ये दरिद्र शब्द जोड़ देना, नारायण कभी दरिद्र नहीं है। लेकिन बस समाज के अंदर ऐसे मूर्ख लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने फैला दिया शब्द दरिद्र नारायण शब्द का, और एक मांगने वाले को, भिखारी को या कोई भिक्षु को, उसको कहेंगे ये दरिद्र नारायण, उसके शब्द दे देंगे या कई जगह ऐसा प्रयोग करेंगे शब्द को। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो मूर्ख व्यक्ति है वही ऐसा सोचेगा कि वो अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु मान लेगा, सब जगह विष्णु। जैसे हमने एक पहले भी बताया था, सर्दी के दिनों में दिसंबर जनवरी के महीने में एक कोई साधु बनने के लिए हरिद्वार में आया, तो हमें जब मिला बाद में तो हमने पूछा कब से हैं आप यहाँ, कहते मैं कई साल पहले यहाँ पर आया था, 18-20 साल पहले, दिसंबर जनवरी का महीना था, रात के समय मैं पहुंचा हरिद्वार में, अब कहाँ रुकूं, कोई जानने वाला था नहीं, मैंने एक आश्रम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है, तो मैंने कहा मैं नारायण हूँ। तो यही बात यहाँ कही जा रही, जो इनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं है प्रमाणित भगवान के द्वारा प्रतिनिधि के रूप से, प्रमाणित प्रतिनिधि से, ऐसे मूर्ख लोग कई बार
इस आत्मा को ही सर्वव्यापी विष्णु मान बैठते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही है। लगभग ऐसे कितने सारे भागवत कथा करने वाले वृंदावन के अंदर उनकी यही सोच है। हम एक आश्रम में तो वो साधु बहस करने लगे, इतना आश्रम है वहां पे, आश्रम में वो बने हुए हैं, सन्यासी का वेश ले रखा है। इस बात को नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते, और सारे सबके शरीरों में एक ही आत्मा रहता है, आत्मा अलग अलग नहीं रहता सबके शरीर। माँ आप विचार करके देखिए, अगर सबके शरीरों में एक ही आत्मा होता तो अगर आपको भूख लगेगी, क्या मुझे पता नहीं चलेगा जब एक ही आत्मा है कि आपको भूख लगेगी? या एक खाएगा तो क्या सबका पेट भरना चाहिए फिर? लेकिन नहीं, एक के शरीर में जो कष्ट है दूसरे को मालूम नहीं चल पाता। इस बात से आप इस बात को समझ सकते हैं कि सबके अंदर आत्मा अलग अलग है, जिसे कहते हैं व्यष्टि आत्मा। लेकिन परमात्मा सबके हृदय में एक ही है। वो परमात्मा हर एक के कर्मों को, मन वाणी और कर्म हर एक को नोट कर रहे हैं। परमात्मा रूप में, साक्षी रूप में सबके हृदय में आत्मा के साथ में परमात्मा रहते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं इस बात को, जो सामान्यतः बहुत से लोगों का ये सोच है जब मार्गदर्शन नहीं मिलता। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। प्रत्येक आत्मा कहाँ स्थित है? प्रत्येक जीव के हृदय में। प्रभुपाद जी बता रहे मुंडक उपनिषद में ऐसा वर्णन किया भगवान वेदव्यास जी। और चूंकि भौतिक विज्ञानी, जो संसारी के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, वो जिन अपने तरीकों से, अपने उस विज्ञान के माध्यम से वो इस अणु आत्मा को मापना चाहते हैं, वो असमर्थ, कभी माप नहीं पाए आज तक। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं वैज्ञानिक की आत्मा है ही नहीं। जब वो उसको नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, कहते आत्मा नाम कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जो कहते हैं आत्मा अगर नहीं है शरीर में, आज तक किसी को भी व्यक्ति को मरने से बचा क्यों नहीं पाए? फिर यह वैज्ञानिक विचार कीजिए, फिर भी मृत्यु हो रही है और ये किसी को बचा नहीं पा रहे, या किसी मृत शरीर में आत्मा डाल नहीं पा रहे हैं, उस शक्ति को नहीं डाल पा रहे। लेकिन उसके बाद भी अपने अहंकार को, अपने अज्ञान को ये वैज्ञानिक छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि जिस भौतिक तरीके से वो जानना चाहते हैं वो तरीका है ही नहीं आत्मा को जानने का या परमात्मा को जानने का। उसको जानने का तो एकमात्र तरीका है कि आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक तरीके से आप अपनाएं और फिर इसको जानने में लगे। ज्ञानी, योगी और भक्त, ये तीन तरह के साधक उसको जानने में लगते हैं भगवान। लेकिन जो भक्त है वो पूर्ण जान पाता है। ज्ञानी जो है ईश्वर को निराकार मान के चलता है, लेकिन उसको फिर दोबारा, कभी भगवान कहते हैं मैं अवसर देता हूं कभी भक्त परिवार में जन्म लेकर उसको भक्ति करने का। जो ईश्वर के कभी रूप को ही नहीं माना तो वो भगवान के धाम में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि धाम में तो भगवान साकार रूप में रहते हैं और उसने जीवन में कभी साकार रूप की भक्ति की नहीं, कभी स्वीकार ही नहीं किया भक्ति, तो बात की बात है। वो तो रूप को ही नहीं माना, नहीं ईश्वर का तो कोई रूप हो ही नहीं सकता, वो तो इस बात को अड़े बैठा है। उससे पूछा जाए क्या आप भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं? कहेगा हाँ मानते हैं। फिर उससे प्रश्न करें अगर आप सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है वो रूप भी ले सकता है और बिना रूप के भी रह सकता है, ये बात समझिए। लेकिन वो एक तरफ सर्वशक्तिमान कहेंगे, दूसरी तरफ कहेंगे रूप नहीं ले सकता, या कहते हैं ये तो मूर्ति पूजा करते हैं। अगर भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं, तो क्या वो उस मूर्ति में नहीं है? अगर वो सब जगह है और वो मूर्ति जब वैदिक ग्रंथों में बताए तरीके से अगर उसको बनाया गया है, उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तो उस मूर्ति में भगवान क्यों नहीं है, ये प्रश्न किया गया। लेकिन वैसी भावना भी चाहिए ना। फिर अगर हम उस भाव से, भक्ति से, अगर हम उन उस विग्रह रूप में, मूर्ति रूप में उनकी जब सेवा पूजा भक्ति नहीं करते,
तो भगवान मूर्ति ग्रह माध्यम के माध्यम से वो प्रकट क्यों हो या अनुभव क्यों करें। वहीं मीरा जी ने जब भगवान को गिरधर गोपाल के उस विग्रह को मूर्ति को साक्षात मान के जब उसको भोग लगाना उनका श्रृंगार करना और उनसे बातें करना तो भगवान भी बातें करने लगे विग्रह से निकल कर। तो यहाँ यही बात बताई गई है और ये बात स्वयं भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में कि मैं विग्रह रूप में अष्ट धातु की मूर्ति के रूप में, पत्थर की मूर्ति के रूप में, लकड़ी की मूर्ति के रूप में, रंगों से बने हुए चित्रपट के रूप में, बालू रेत की बनी मूर्ति के रूप में, मिट्टी की बनी मूर्ति के रूप में, रत्नों की बनी मूर्ति के रूप में और मनोविग्रह मन से माना हुआ मन में धारणा करके माने विग्रह रूप में इस तरह से मैं अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को धाम में वापिस अपने धाम में जाने से पहले अपने अंतिम उपदेश में ये शब्द कह रहे हैं भगवान कृष्ण। मतलब हमने कोई अपने मनगढ़ंत तरीके से हम नहीं मान रहे, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी ये विग्रह पूजा ये मेरी ही सेवा है, मेरी ही पूजा है। श्रीमद भागवतम 11वां स्कंद 27वां अध्याय पूर्ण इसी के ऊपर ही है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, फेफड़ों में जो रक्त के जो कण हैं लाल रक्त कण वो ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं वो शक्ति उनको कहाँ से मिल रही है, आत्मा से प्राप्त हो रही है प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है अर्थात हृदय से जब आत्मा निकल जाता है तो रक्तो उत्पादक संलयन या फ्यूजन बंद हो जाता है। उस समय रक्त जो है लाल रक्त कणों का ऑक्सीजन ले जाना बंद हो जाता है जब आत्मा शरीर को छोड़ता है, उस हृदय को छोड़ देता है, हृदय से निकल जाता है जब उस स्थान से। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, ये जो साइंटिस्ट है वैज्ञानिक ये तो स्वीकार करते हैं कि हाँ हृदय के अंदर ये लाल रक्त कण है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाते कि शक्ति का स्रोत आत्मा है, कि उन लाल रक्त कणों को शक्ति जो मिल रही है ऑक्सीजन लाने ले जाने वो शक्ति जो है वो आत्मा से मिल रही है, ये नहीं समझ पाते इस बात को, क्योंकि इसको भौतिक तरीके से नहीं समझा जाता। इन्होंने साइंटिस्टों ने कितने कितने प्रयास करके रॉकेट्स बनाए और उसको चंद्रमा पे या ऐसे भेजना चाहते हैं लेकिन आज तक सक्सेसफुल नहीं हो सके। चंद्रमा तक के लिए भी किसी ने अन्य ग्रहों पे सक्सेसफुल लेकिन चंद्रमा या सूर्य की तो बात ही छोड़िए कि सूर्य तक कभी ये जा सके आसानी से। लेकिन वहीं पे ही आध्यात्मिक जीवन में जो साधक है जो योगी है वो योग के द्वारा उस सूर्य लोक में जब प्रवेश कर जाता है तो ये अध्यात्म है। लेकिन हम सूर्य लोक में प्रवेश नहीं करना चाहते, हम तो गोलोक धाम में वैकुंठ लोकों में प्रवेश करना चाहते हैं जो इस भौतिक जगत में ही है, ये सब सूर्य लोक में इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन ये सारा ब्रह्मांड नश्वर है, कुछ भी यहाँ पे शाश्वत सदा रहने वाला नहीं है, एक समय के बाद प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन वैकुंठ लोक जो है वो शाश्वत है, जहाँ पे भगवान अलग अलग अवतारों में अपने भक्तों के साथ वहां पर रहते हैं, नित्य वास करते हैं। असंख्य वैकुंठ लोग हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं अलग, भगवान केशव, भगवान माधव, भगवान दामोदर, भगवान विष्णु, भगवान नारायण और ऐसे अनेक, भगवान परशुराम, भगवान हर एक के अपने अलग अलग वैकुंठ लोग हैं, अपने अपने भक्तों, भगवान मत्स्य, भगवान वामन, भगवान वरह, ऐसे भगवान नरसिंह, इन सब वैकुंठ लोकों के ऊपर फिर है साकेत धाम जो भगवान श्री राम का धाम है। फिर उस साकेत धाम के ऊपर है द्वारिकापुरी जो भगवान द्वारिकाधीश के रूप में भगवान कृष्ण जा रहते हैं अपने उन भक्तों के साथ जो ऐश्वर्यमयी ऐसी भक्ति करते हैं द्वारिकाधीश भगवान। उस द्वारिकापुरी के ऊपर है फिर मथुरापुरी जहाँ पे भगवान ने मथुरा में जो लीलाएं की वो भक्त जो उनके हैं वहां पर रहते हैं उनके साथ भगवान के। और फिर मथुरापुरी के ऊपर है जो सबसे हाईएस्ट लोक है एक दिव्य
कमल पुष्प की तरह खिला हुआ ऐसा दिन, असंख्य पंखुड़ियों वाला, वो है गोलोक वृंदावन धाम या कृष्ण लोक, जहाँ पे भगवान कृष्ण गोपियों और गोप बालकों की नित्य लीला कर रहे हैं। उस कमल के फूल में जो बीच में कर्ण वाले जो पीले कर्ण होते हैं, उसमें बीच वाला मध्य गए, उसमें नित्य रास और ये लीलाएं चलती हैं। और उसके एक हिस्से के अंदर चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला भी चलती है उनके असंख्य भक्तों के साथ। तो एक बार कोई अगर भक्ति पूर्ण करके गोलोक धाम में प्रवेश कर ले तो वो जब चाहे तो चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन लीला में जाना चाहे तो उसमें भी भाग ले सकता है, जब चाहे तो भगवान कृष्ण की लीला जो है गोपों और गोपियों के साथ में वहां भाग ले सकते हैं, गौचारण लीला, वेणु वादन और ये सब लीलाएं जो। और वहां से फिर भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार मेरे धाम में कोई आ जाए फिर लौटना नहीं होता। लेकिन धाम तक पहुंचने के लिए एक बार के लिए भक्ति पूर्ण तो करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक हमारा मन शरीर में, परिवार में, खाने सोने में, इंद्रियों का तर्पण करने में, मोबाइल में, इन्हीं सब में फंसा हुआ है जब तक मन, तब तक भगवान की लीला में प्रवेश नहीं मिल सकता। में भक्ति ऐसी करनी पड़ेगी इन सब से मन को हटाकर एकमात्र कृष्ण भावना से भावित करना होगा 24 घंटे। और उसी का अभ्यास करने के लिए जीवन हमें अवसर मिला है, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हम इस भक्ति को पूर्ण करें। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। उस अविनाशी, अविनाशी का मतलब उस आत्मा के बारे में कहा गया है संबोधन। अप्रमेय तथा शाश्वत जीव, जो सदा रहने वाला है जीव, उस शाश्वत जीव के भौतिक शरीर, जो भी उसको भौतिक शरीर मिला है अपने कर्म फलों के कारण से और अपनी इच्छाओं से, उस भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अवश्य होगा। अतः हे भरत वंशी, युद्ध करो अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, इसलिए तुम कर्तव्य से पीछे मत हटो। प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं यहाँ पर कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। इस भौतिक शरीर का स्वभाव ही है ये नाशवान है, हर क्षण इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है, ये नाश की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारी अगर इस शरीर में आसक्ति, मोह नहीं छूट रहा तो ये हमारी अज्ञानता ही कही जाएगी। चाहे फिर हम कितना ही भगवत गीता का अध्ययन श्रवण करते हैं, भागवत का अध्ययन श्रवण करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, लेकिन इस बात को हम व्यवहारिक रूप में हर समय अगर ध्यान में नहीं रखते और इसको समझकर इसके अनुसार जीवन नहीं जीते, कर्म करते कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये बात ध्यान में रखें अगर, तो हमारी शरीर में कोई आसक्ति नहीं रहेगी। फिर अगर किसी की शरीर से आसक्ति खत्म हो गई, वो शरीर से संबंधित वस्तुओं में और व्यक्तियों में भी आसक्ति फिर नहीं रखेगा। लेकिन हमने पहले का, पूर्व का जीवन ऐसा जिया इस जन्म में और पिछले जन्मों में शरीर को मैं मानकर, परिणाम में वो आसक्ति बनाकर बैठ गए और अब वो आसक्ति हम छोड़ने को खुद भी तैयार नहीं है। नहीं, जब तक जीवन है तब तक तो जी लो ना शरीर मानकर, शरीर भी जरूरी है इसे शरीर मान के जी लो, तब तो हम उस सोच को छोड़ना भी नहीं चाहते। यही आसक्ति या मोह या यही माया है या यही अज्ञान है जिस अज्ञान को हम छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए सामान्यतः लोग क्या है, आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करना नहीं चाहते, पूरी तरह से भक्ति मार्ग को अपनाना नहीं चाहते। भगवान ईश्वर कहते नहीं, ठीक है घर में बैठ के जितना भी नाम जप हो जाएगा ठीक है, पर रहना तो घर पर ही है, शरीर तो उसी बिस्तर में ही छोड़ेंगे संसार के मोह का चिंतन करते हुए परिवार का, तो परिणाम में मुक्ति कैसे हो। जिसमें गुरु महाराज कहते हैं, एक शब्द कहते हैं पंजाबी में, एक शब्द है, मन विच कुंडी पाप दी ते तरना किस विद होए,
मन में अगर पाप की आसक्ति की वासना की मोह की अगर मन में गांठ पड़ी है तो तलना किस विध होए तो मुक्ति किस तरह से मुक्ति होगी उस जीवात्मा के विचार कीजिए। जब हम उस आसक्ति को उस मोह को किसी भी हालत में छोड़ने को ही तैयार नहीं है उस मोह को आसक्ति को, तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, इसका ये स्वभाव है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। ये भी नहीं गारंटी कि 80 साल तक तो रहेंगे 60 साल तक तो रहेंगे, तत्क्षण अच्छा खासा व्यक्ति चल रहा है अचानक हार्ट फेल हो जाता है और वहीं पे शरीर उस समय गिर पड़ता है। पीछे एक वीडियो भी आया था उसमें 8-10 ऐसे 12 इंसिडेंट दिखाए थे, उसी समय एक झटके में व्यक्ति मर गया, अच्छा खासा बैठा हुआ अच्छा खासा चलता हुआ, मीटिंग अटेंड कर रहा है, मीटिंग अटेंड करते करते कुर्सी पे लुढ़क गया, बैंक में कैश के लिए गया है विड्रॉ करने के लिए, वहीं पैसे निकलवा रहा है और वहीं बैंक के काउंटर पे ही गिर पड़ा और वहीं खत्म हो गया एक झटके। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, चाहे तो उसी क्षण नष्ट हो जाए या 100 वर्ष बाद, पर नष्ट तो होगा यह तो पक्का है ये शरीर। यह केवल समय की बात है, केवल कि हाँ कोई 1 साल में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की 50 साल में, किसी की 100 साल, ये अलग समय की एक वो है, उसके कर्मों के अनुसार उसको जितने भी श्वास मिले हैं। लेकिन अगर व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है तो अकाल मृत्यु भी होती है, ये मत सोचें कि अनिश्चित एक लिखे हैं उसमें वो अगर अपनी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो समय से पहले ही उसे जाना पड़ेगा। हाँ, उसकी समझ ही ऐसी हो जाएगी जिसे कहते हैं विनाश काले च विपरीत बुद्धि, उसके पाप कर्मों के कारण से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और कोई ना कोई ऐसी घटना कर बैठेगा वो जिसके कारण से समय से पहले अकाल मृत्यु उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, कोई भी संभावना नहीं कि शरीर को अनंत काल तक कोई बनाए रख सके, लाखों करोड़ों वर्ष तक बनाए रख सके शरीर को। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, शत्रु भी नहीं देख सकता इसको। जो ये मारकाट भी मचती है, एक दूसरे को मारते हैं सब करना, वो भी शरीरों को ही मार रहे हैं, आत्मा को नहीं मार पा रहा कोई भी, क्योंकि वो मरती ही नहीं, उसका वो नेचर वो स्वभाव ही नहीं आत्मा का। मारना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकता शत्रु उस आत्मा को, केवल शरीर मान मान के ही लगे हुए हैं, एक दूसरे को मारने काटने और ये सब में जो पूरे संसार में मचा हुआ है कोरम, क्योंकि इस ओर से पूरी तरह से अज्ञान में पड़े हैं, ये आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान के वही लोग ये सब आसुरी राक्षसों जैसे काम कर रहे हैं केवल। ना वो कहते हैं ना चैन से जियो ना दूसरे को चैन से जीने दो, ना खुद जीना चाहते हैं चैन से ना दूसरे को जीने दो, पहले वो किसी को मारते हैं फिर उनको कोई मारता है फिर उसको कोई मारता है, बस यही सिलसिला चल रहा है बस नॉन स्टॉप। लेकिन इन्हीं सब के बीच में जो कलयुग के प्रभाव से जो ऐसी समझ लोगों की हो रखी है, इसी के बीच में अगर हम चाहें तो गंभीरता पूर्वक इन बातों को समझकर भक्ति में हमें सीरियस होना चाहिए, इधर उधर व्यर्थ में समय ना नष्ट करके, ना मोबाइल में, ना फेसबुक में, ना व्हाट्सएप में, ना कहीं और टीवी में या किसी भी संसारिक केवल खाने सोने या व्यर्थ की बातों में समय उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय ऐसी घटना तत्क्षण कभी भी शरीर का नाश हो सकता है। अगर भक्ति पूर्ण नहीं की होगी तो ये ध्यान रखिए भगवत धाम नहीं जा सकेंगे वैकुंठ लोग। भगवत धाम जाने के लिए तो 24 घंटे कृष्णमय कृष्ण भावना से भावित होना पड़ेगा, मन वाणी कर्म से तीनों से। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह आत्मा इतना सूक्ष्म है कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, कि इसका न माप किया जाए सोच भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। कोई जैसे फीता लेके नापते हैं किसी चीज को फीते से इंच टेप से, आत्मा का माप नहीं किया जाता इस भौतिक तरीके से। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो अर्जुन दुख व्यक्त कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ये सब मारे जाएंगे और ये सब बातें कर रहा है,
दोनों ही तरीके से शोक करने का कर्म, क्योंकि शरीर के लिए वो शोक कर रहा है तो शरीर तो है ही नश्वर, अगर आत्मा के लिए शोक कर रहा है तो आत्मा के लिए तो शोक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसको तो शत्रु देख भी नहीं सकता, मारेगा कर। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें समझाना सिखाना चाहते हैं कि हम अपने कार्य करने के ढंग को बदलें, कार्य करने की शैली को, ये बात ध्यान में रखते हुए कि जब ये शरीर सदा रहेगा नहीं तो ये बैंक बैलेंस किसके लिए जोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े बंगले या घर बनाने की जो सोच है ये सब किसके लिए है जरा पता चले, ये किसके लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, हम ये बिजनेस करें, वो जॉब करें, इधर से पैसा इकट्ठा करें, झूठ बोल बोल के लोगों से पैसा इकट्ठा करें, किसके लिए? इस शरीर के लिए जो सदा परमानेंट रहेगा नहीं, उस परिवार के लिए जिनके शरीर परमानेंट रहेंगे नहीं, या फिर उस आत्मा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं जो आत्मा को इनकी आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा को तो आवश्यकता है परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करने के उस रिश्ते को, तो ये किसके लिए दौड़ लगी है जरा ये बताइए, विचार करिए इस बात, इस पे सोचना मंथन विचार करना चाहिए। इसलिए जैसा भी परिस्थितियां हैं उसके बीच में भगवान की भक्ति पूर्ण करो और अपना रास्ता तय करें, हम इसलिए जीवन मिला है। इन सब के अंदर समय नष्ट की, हाँ आज मेरे को खाने को परौठी नहीं मिली, आज मेरे को सादी रोटी मिल गई, या आज मुझे खाने को पिज्जा मिल जाए, या आज मेरे को खाने को ये नहीं मिला या वो, बस या मेरे को सोने के लिए, या मेरे को बड़ा बंगला नहीं है, यही सब बातों में दिमाग, या मेरे पास बढ़िया सी नई कार होनी चाहिए थी, ये अपना जीवन मनुष्य जीवन की आयु को नष्ट करना है अज्ञानता के कर, जिस चीजों के पीछे, जिस मानसिकता, जिस सोच के पीछे हम दौड़ रहे हैं, वास्तव में हमें शरीर का नहीं आत्मा का श्रृंगार, आत्मा को उसकी खुराक देनी चाहिए, और आत्मा की खुराक है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन इसका नियमित अभ्यास चाहिए। लेकिन वो नियमित अभ्यास घर में रह के कितना हो पाता है, अभी जैसे क्लास चल रही है तो जो क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी ठीक है, कुछ गंभीरता से इसको समझने या सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होगी मन फिर वही शुरू हो जाएगा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, और फिर वो शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया। फिर ऐसा अनंत जन्मों से मन को आदत बन गई है इस तरह के चिंतन में उलझे रहने की, हर समय भयभीत रहना, हर समय चिंतित रहना, ये सब क्यों? फिर वही शरीर के स्तर पे अपने बारे में मान्यता जो घर कर चुकी है वो छोड़ती छूटती नहीं, इसी को माया कहते हैं, भगवान की माया। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को, मम माया दुरतया, अर्जुन मेरी माया को पार पाना अत्यंत कठिन है। पहले तो लोगों को ये बात समझ नहीं है, जानकारी नहीं है कि हम शाश्वत आत्मा है, शरीर नश्वर है, हम शरीर नहीं है, शरीर तो केवल आत्मा के केवल कपड़े हैं, वस्त्र हैं, मैं तो परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं, पहले तो यही जानकारी नहीं है लोग। उसके बाद जिनको जानकारी मिल गई वो व्यवहारिक रूप में चलने की परिस्थिति नहीं बना पा रहे, उनका मोह ही खत्म नहीं हो रहा संसार के प्रति, परिवार के प्रति और उन भौतिक भोगों के प्रति। अब वो मन को ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी लत पड़ गई है उस तरह के चिंतन में रहने की, अब वो सब बदलने को तैयार नहीं। इसीलिए परिणाम में प्रमाणिक गुरु की शरण में रहकर इसको 24 घंटे उनके क्रॉस चेक में रहते हुए ट्रेनिंग ली जाती है। मन को जब तक ये चिंतन सोचने का ढंग बदल नहीं देता तब तक हमें इस आध्यात्मिक इस तरह से रहना होता है गुरु के मार्गदर्शन में, प्रमाणिक गुरु के। जब तक मन पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो जाता, जैसे एक बच्चा कितने साल लगा के PhD करता है, विचार कीजिए, 25-30-35 साल लगा के, 40 साल लगा के तब कहीं PhD कर पाता है 30-35 साल में। ऐसे ही जब तक चिंतन कृष्ण भावना से भावित नहीं हुआ, जब तक चिंतन हमारे मन का सोचना देहात्म बुद्धि पे श्रित है, देह को ही मेहमान का जीना, तब तक तो हमें इस संसारिक भौतिक भोगों से अपने को अलग करना ही पड़ेगा उस समय के लिए। जैसे कोई मरीज जब कोई ज्यादा बीमार हो जाए तो उसे ICU में एडमिट करना पड़ता है, इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे वहां पे इंटेंसिव केयर यूनिट में उस डॉक्टर्स के उसमें चेक में रखा जाता है उसको, हर समय उसकी पल्स रेट सब चीजें उसे चेक की जाती है। ठीक ऐसे ही हमारी भी स्थिति क्या है, अनंत जन्मों से ये मन केवल इस सोचने का ढंग, इच्छा करना और अनुभव करना केवल भौतिकतावादी बना है, नश्वर जगत से
और हम चाहते हुए भी इस मन को उससे हटा नहीं पा रहे, उस देहात्म बुद्धि के चिंतन से, क्योंकि जैसे समाज में रह रहे हैं वह चिंतन ही यही है इस वक्त। इसीलिए प्रमाणिक गुरु के चरणों में आकर ये मार्गदर्शन में हमें पकना होता है। तो यहाँ पर जो वर्णन है प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। ना तो उस जीवात्मा को मारा जा सकता है किसी भी तरीके से, और शरीर को कभी भी स्थायी रूप से बचा के नहीं रखा जा सकता। कितने भी आप प्रयास करें उसके बाद भी शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ और फिर मृत्यु की तरफ प्रगति कर ही रहा है, ना चाहते हुए। कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना, कोई नहीं चाहता मृत्यु, लेकिन फिर भी प्रगति कर रहा है, उसे रोक नहीं पा रहे। हम कितने बढ़िया से बढ़िया पकवान खिलाने शरीर को, तो बताइए क्या फायदा कि उस पकवानों की चिंता करते रहे। उससे अच्छा यही नहीं कि भगवान को भोग लगा, जो मिल जाए, जिसे कहते जिसमें तेरी रजा है उसी में हम खुश हैं, कि हे प्रभु जैसे आप रखना चाहे हम तो उसी में प्रसन्न है, क्यों ना वैसे रह लिया जाए। जब कितने भी बढ़िया मसालेदार कितने भी स्वादिष्ट भोजन करने के बाद भी बुढ़ापा और मृत्यु को आप रोक नहीं पाएंगे तो, लेकिन अज्ञानतावश लोग नहीं समझने को तैयार, इसी को अज्ञान या मोह या आसक्ति कहते हैं। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। जो पूर्ण आत्मा है, उस पूर्ण आत्मा जो है अपने कर्मों के अनुसार ही अलग अलग तरह के 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता है अपने कर्मों के अनुसार। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो धार्मिक नियम है, भगवान कृष्ण जो भगवद गीता के माध्यम से बता रहे हैं धार्मिक नियमों को, उसका पालन करना चाहिए। क्यों पालन करना चाहिए? जिसके द्वारा हम इस बार बार के शरीरों के परिवर्तन से छुटकारा पा सके जन्म मृत्यु के चक्र से। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, वेदों में बताया जीवात्मा की तुलना की गई प्रकाश से, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जो परम प्रकाश है परमात्मा भगवान, उनका अंश होने से उनको प्रकाश बताया गया। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है सारे ब्रह्मांड का पोषण कर रहा है, वृक्षों को, जीवों को, सभी को प्राणवायु, सबको प्राण शक्ति दे रहा है, पोषण कर रहा है सभी। उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। आत्मा हृदय में जब तक है तो उस आत्मा के प्रकाश से सारा शरीर कार्य कर रहा है, टिश्यूज, हर एक एक छोटे से छोटा शरीर का हर अंग कार्य कर रहा है, उसका पोषण हो रहा है आत्मा की उपस्थिति के कारण से शरीर में, आत्मा के प्रकाश से। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर के से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगा शरीर से बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है शरीर, फिर रख नहीं सकते उसको, इसलिए उसको संस्कार करना होता है जल्दी से जल्दी। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है, इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा ही शरीर का पोषण करने वाला। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर अपने आप में बिल्कुल बेकार महत्वहीन है, कोई कार्य का नहीं, काम का नहीं। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। इसलिए आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि उसको चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन, धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध करे, अपना कर्म करे। जो अधर्मी लोग हैं उनको उचित दंड मिलना ही चाहिए, इसलिए युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना चढ़ाए, धर्म का आचरण ना छोड़े। केवल शारीरिक कारणों से, शारीरिक कारण मतलब शरीरों के प्रति मोह आसक्ति के कारण, परिवार के प्रति या इस खुद के शरीर के प्रति। तो अर्जुन का अपने खुद के शरीर के प्रति आसक्ति नहीं दिखा रहा, लेकिन परिवार के लोगों के प्रति आसक्ति दिखा रहा है, वो भी अज्ञान है। अगर परिवार के लोगों के प्रति आसक्ति नहीं दिखा, खुद के शरीर के प्रति आसक्ति दिखाए कोई व्यक्ति, तो वो भी अज्ञान है, दोनों अज्ञान है। तो इसलिए धर्म की बलि ना होने दे प्रभुपाद जी कहते हैं, धर्म के आचरण को नहीं छोड़ना चाहिए अर्जुन को।
इसी तरह से हमें भी केवल शरीर के पोषण के लिए या फिर शरीर से संबंधित जो परिवार है उनके कारण से हमें धर्म के सिद्धांतों को जो गीता में भगवान जैसा आचरण बता रहे हैं, हम मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थी के लिए, सन्यासी, उनको अपना धर्म का आचरण छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी भौतिक कारण से, चाहे वो परिवार के प्रति मोह हो, चाहे वो देश के प्रति मोह हो, चाहे वो संसार के प्रति मोह हो, चाहे वो पत्नी बच्चों के प्रति मोह हो, या वो फिर किसी भी माता पिता कहीं भी हो, चाहे घर के प्रति मोह हो, चाहे पैसे के प्रति मोह हो, या खाने सोने के किसी भी कारण से धर्म का आचरण मत छोड़िए। यहाँ धर्म का आचरण चोरी कर ली, चोरी क्योंकि तेरी इच्छा हो रही थी खाने की, इसलिए क्यों धर्म का आचरण छोड़ दिया, किस लिए, केवल जीव के स्वाद के लिए, दूसरे का पैसा सामान चोरी कर लिया, तो ये क्या है, यही है धर्म का आचरण छोड़ देना, किसी भौतिक कारणों से, किसी भी शरीर से संबंधित कारण से धर्म का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, तब आध्यात्मिक जीवन में उन्नति ठीक से हो सकेगी। हम बार बार अपने निजी स्वार्थों के कारण से हम धर्म को छोड़ देते हैं, कई बार कई कारणों से हम झूठ का सहारा लेते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, कई बार हम इस तरह से आचरण करते हैं, शास्त्र का आचरण छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं किसी भी परिस्थिति में धर्म के सिद्धांतों को छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हाँ जी हम वैसे तो प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन बाहर जाते हैं तो हम लोगों के यहाँ जाके कैसे बोलें, इसलिए हम वहां पे खा लेते हैं, लोगों को तो वो लोग भी बातें करेंगे, फिर तो लोगों को खुश करना चाहते हैं पहले ये, या भगवान को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर लोगों की खुशी में लगे रहेंगे तो परिणाम में भगवान नहीं मिलेंगे, और लोग तो कभी किसी से खुश हुए नहीं। आप कितना भी लोगों के अनुसार चल के देख लीजिए, लेकिन लोग कभी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। गुरु महाराज एक घटना सुनाते हैं, एक बार एक वृद्ध व्यक्ति और अपने बेटे के साथ जा रहा था, पास में घोड़े था, तो बाप जो है वो घोड़े पर बैठा हुआ था, बेटा साथ साथ चल रहा था। कुछ लोग सामने से आए तो कहते कैसे देखो बाप है, बेटे को तो पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे चढ़ा बैठा। अब लोग आगे गए तो बाप को अच्छा नहीं लगा, वो उतर गया, बाप बेटे को बैठा दिया घोड़े पर। आगे बढ़े कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा देखो कैसा बेटा, बूढ़े बाप को तो पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे चढ़ा बैठा। अब बेटे को अच्छा नहीं लगा, उसने बाप को भी साथ में बैठा लिया। अब फिर कुछ लोग सामने से कहते देखो कैसे कमजोर सा घोड़ा और उस पे दोनों बाप बेटा चढ़े बैठे हुए। अब दोनों को अच्छा नहीं लगा, दोनों घोड़े से उतर गए। फिर आगे बढ़े कुछ लोग और आ रहे थे, कहते कैसे मूर्ख लोग हैं, देखो घोड़ा पास में और दोनों पैदल चल रहे हैं। मतलब लोग कैसे भी छोड़ने वाले नहीं है, आप कितना भी उनको संतुष्ट करने की कोशिश करें, इससे अच्छा ये है कि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करें, उनकी भक्ति करके, और फिर भगवान कृष्ण की अंश आत्माएं हैं ये भाव से हम सबके प्रति आदर सम्मान का भाव रखते हुए भक्ति को हम गंभीरता पूर्वक निरंतर हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीर्तन निरंतर करने का अभ्यास करें। जैसे सांस है ना, आप थोड़ी भी देर के लिए श्वास को रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो एकदम सफोकेट होने लगे, एकदम घुटन होने लगे ये अंदर। इसी तरीके से जैसे सांस निरंतर चल रही है, ऐसे ही श्वासों की तरह ये हरे कृष्ण मंत्र चलना चाहिए, जीभ से श्वासों में निरंतर नाम जब चलना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए, जिसे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कीर्तनिया सदा हरि नाम गाने सदा रुचि। अगर ऐसे निरंतर हरि नाम का कीर्तन का अभ्यास कोई करेगा तो अपने आप भोगों से, विषय वासनाओं से, शरीर की आसक्ति से, संसार की आसक्ति से मन धीरे धीरे खुद ही हट जाएगा। और निरंतर का अभ्यास हम ना करके बार बार संसार के और संबंधों को बनाने के लिए, संसार के भोगों के लिए हम कितना कितना समय भगवान का नाम छोड़कर इस जीव से, इस सब संसारिक उसमें लगे रहते हैं बातें करने, मन से संसार के इन्हीं रिश्तों को बनाए रखने के लिए सोचने में लगे रहते हैं, शरीर परिवार समाज के, इस तरह से हम इंद्रियों को और मन को पहले लगाते हैं संसार में और फिर कहते हैं जी हमारी तो, हमें तो अनुभव ही कुछ नहीं हो रहा भक्ति मार्ग में, इतने साल हो गए चलते हुए, अनुभव होगा कैसे जब तक आप पूरी तरह से कट ऑफ ही नहीं कर रहे उसे, मन को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कृष्ण की तरफ पूरी तरह से दत्त लगाने का पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर रहे, तब तक कैसे संभव है आध्यात्मिक उन्नति। थोड़ी
थोड़ी देर नाम जप करते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ी देर नाम जप, थोड़ी देर फिर मोबाइल शुरू हो जाता है। तो ये सब तो विचार, अगर वास्तव में लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हमें ये मन पक्का बनाना पड़ेगा कि फिर इन सब भौतिक आकर्षणों से इस मन को हटाना ही होगा, अन्यथा आध्यात्मिक जीवन का मार्ग ये हम पूरा तय नहीं कर पाएंगे। फिर अधूरा तय किया तो फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में डाल दिए जाएंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर शरीर लेने पड़ेंगे, और चाहें तो इसी जीवन को आखिरी भी कर सकते हैं, भक्ति पूर्ण करें अगर गंभीरता पूर्वक करके। हृदय में भगवान कृष्ण से के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जागृत करने के लिए निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं विषय से संबंधित। मेरा प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि जो आपने कहा कि जो मतलब जो ऑक्सीजन है वो भी हमको मतलब आत्मा से मिलता है, अणुआत्मा से, तो प्रभु जी अगर आत्मा ही हमको कंट्रोल करता है, शरीर को भी कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन ब्लड सबको कंट्रोल करता है, तो प्रभु जी फिर हमारा शरीर का विलय क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का तो विलय है नहीं, तो आत्मा से हमको ऊर्जा हमेशा मिलना चाहिए, तो फिर हम बूढ़े क्यों होते हैं? जो ऑक्सीजन है वो आत्मा से नहीं मिलता है, आप शब्द को ध्यान से पढ़े, वहां पे ये नहीं लिखा कि आत्मा को, आत्मा से उसको ऑक्सीजन मिलता है। जो रेड सेल्स है, जो ब्लड के रेड सेल्स है, रक्त कण है, जो लाल रक्त कण है, वो ऑक्सीजन को प्रवाहित करने में जो उसको जो ऊर्जा मिल रही है, वो एनर्जी मिल रही है आत्मा से, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन को ले जाने की जो ऊर्जा एनर्जी मिल रही है वो आत्मा से मिल रही है ऊर्जा। लेकिन जब व्यक्ति भोग करता है, इंद्रियों से विषय विकारों को भोगता है, तो शरीर भोग के कारण से रोग या वृद्ध होता है, नष्ट होने की तरफ बढ़ता है। अगर हम विषय भोगों में, संसार में अगर भोगों में नहीं लगे हैं, तो परिणाम में व्यक्ति इस जीवन को एक लंबे समय तक बचाए रख सकता है, उस श्वासों पर संयम कर सकता है, इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, लेकिन वो अभ्यास है कहाँ? सभी तो लगे हैं उस संसार के अंदर, लेकिन एक संसार का एक नेचर, स्वभाव या एक नियम भी है ना प्रकृति का बनाया हुआ, कि इस भौतिक जगत में जो भी जन्मेगा उसको एक अवस्था के बाद में बूढ़े होना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। लेकिन शाश्वत जीवन जीना चाहता है कि बूढ़ा ना हो, मृत्यु ना हो, तो भगवान कहते हैं बिल्कुल ऐसा भी है, लेकिन वो कहाँ है? मेरे वैकुंठ जगत में, जिसको भगवान गीता में श्लोक में बता रहे हैं, न तद्भासयते सूर्यो, अर्जुन मेरे धाम में कोई सूर्य नहीं होता, न शशांको, ना ही कोई चंद्रमा होता है मेरे धाम में, गोलोक धाम में, वैकुंठ लोक, न पावक, ना ही पावक अग्नि होती है, और यद गत्वा ना निवर्तन्ते, एक बार कोई भक्ति पूर्ण करके मेरे धाम में पहुंच जाए तो ना निवर्तन्ते, कभी इस मृत्यु लोक में दोबारा लौटना नहीं हो। तद्धाम परम मम, ऐसा मेरा परम धाम, वहां पर कोई वृद्ध नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई मृत्यु नहीं होती, कोई जन्म नहीं होता, शाश्वत जीवन है वहां। जैसे अष्ट सखियां हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ में, उन सखियों का एक फिक्स जो भी आयु वो उतनी पे ही रुकी हुई है। अगर किसी की है 13 साल 7 महीने 12 दिन, तो उतनी ही हमेशा रहेगी, उससे कोई आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो एक ही अवस्था में 3 साल के, अगर तो 3 साल के ही हैं, सृष्टि के आरंभ से आज तक 3 साल के ही देखने में लगते हैं, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना कोई मृत्यु। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों से, मन से किसी भी तरह का भोग ही नहीं करते, संसार में लगाया ही नहीं उन्होंने भोगों में मन को। हमने भोगों में जब मन को लगाया, हमने इच्छा की नहीं मेरी शादी हो, मेरी संतान हो, मेरा परिवार हो, मेरा जो जो इच्छाएं की, इच्छाओं के अनुसार, इच्छाओं की पूर्ति में जब हम लगे, उस भोग से रोग भी लगेगा, बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी होगी, उसकी शक्ति को हमने उसमें गंवा दिया। लेकिन सनत, चारों कुमारों ने, नारद जी ने, इन्होंने इसमें अपनी शक्ति को नहीं गंवाया, उन्होंने केवल संयम का, पूर्ण संयम का पालन करते हुए कि हमें अगर जीवन मिला है तो एकमात्र केवल कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का भजन, कृष्ण का कीर्तन, बस उसी के लिए मिला है, और वो 2400 घंटे यही काम करते हैं, इसलिए उनको बुढ़ापा भी नहीं आता, बीमारी भी नहीं लगती, मृत्यु भी नहीं होती, और उन्हीं के वही शरीर शाश्वत भी हो गए, जैसे राजा जनक के भी वही शरीर शाश्वत शरीर के साथ ही भगवत धाम चले गए।
क्योंकि ऐसा भजन किया, संसार में रह रहे हैं परिवार में लेकिन आसक्ति है ही नहीं कहीं पे, अटैचमेंट ही नहीं है, हमारा चिंतन ही रहता है मेरा बच्चा मेरा परिवार मेरा कुटुंब। जब आसक्ति रहती है तो आसक्ति के कारण से फिर हम उसके अनुसार कर्म करते हैं, कर्म करते हैं मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, भौतिक इच्छाओं को, उसी भोगों से रोग लग जाता है, वृद्धावस्था आती है और फिर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है शरीर को। शाश्वत जीवन जीने के लिए केवल पूरी तरह से मन वाणी कर्म से कृष्ण भावना से भावित होना पड़ेगा और सारी चीजें क्लोज ऐसा अभ्यास धीरे धीरे करना होगा उन्नति इस मार्ग के अंदर करते हुए। एकदम भी कोई कर सकता है लेकिन एकदम कर नहीं पाता ना व्यक्ति, संसारिकता के कारण से, इस मोह के कारण से, आसक्ति के। जो करते हैं वो लक्ष्य को पाते भी हैं। परीक्षित महाराज ने सात ही दिन में भगवत प्राप्ति की, विचार कीजिए, एक राजा अभिमन्यु जी के बेटे, सारे विश्व का साम्राज्य, द्वापर युग का एंड होने के, कल युग की शुरुआत हो रही है और परीक्षित महाराज क्या है, सात दिन सात रातें बिना खाए बिना सोए बिना पानी भी कुछ नहीं, एक ही आसन पर बैठ के भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं। ये है शाश्वत जीवन के उस, और जैसे ही वो किया परिणाम में उनके शरीर के प्रति पूरी तरह से आसक्ति खत्म हो गई। तक्षक नाग आके डसे उससे पहले ही वो उस भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में स्थित हो चुके थे, उनको दिव्य देह के अंदर भगवान धाम में जाने का रास्ता बन खुल चुका था। इधर तक्षक ने डसा और वो इधर आध्यात्मिक शरीर में भगवान के गोलोक धाम की तरफ रवाना हो गए। तो इसको भौतिक नजरिए से समझना असंभव है, संभव नहीं समझ पाना, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से वो दिव्य चक्षु जो है, जिसको भगवान ने गीता में कहा, जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ सारी सृष्टि में आप कैसे व्याप्त है रहते हैं सारे संसार के अंदर, भगवान ने ठीक है दिखाता हूँ, भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म अपना विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो सारे ब्रह्मांड के अंदर पूरा केवल एक कृष्ण ही है और कोई है ही नहीं, सब कुछ उनके अंदर है शरीर में। अर्जुन कहते हैं भगवान ने कहा देख मेरे इस विराट रूप को, अर्जुन कहते मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, अब कौन से विराट रूप की बातें कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा दिव्य चक्षु ददामी हम, अर्जुन तेरे को इन चर्म नेत्रों से नहीं दिखेगा, इन्हीं आंखों में मैं तेरे को वो दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तू मेरे इस विराट रूप को देख सके। जैसे ही भगवान ने दिव्य दृष्टि दी वैसे ही अर्जुन को वो यूनिवर्सल फॉर्म दिखाई दिया, अर्जुन के हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, थर थर कांपने लगा, इतना भयभीत तो हो गया देखकर, ऐसा विकराल रूप, असंख्य सिर असंख्य हाथ असंख्य पैर, केवल सारे ब्रह्मांड में केवल वही भगवान का विराट रूप के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, सब कुछ उन्हीं के मुख में, सारे वो जा रहे हैं योद्धा जिनको अर्जुन सोच रहा मेरे को मारना है ये तो पहले ही मरे पड़े हैं, उनके मुंह से डेड बॉडीज निकल रही है, भगवान के असंख्य मुखों से नेत्रों से अग्नि निकल रही है, ऐसा विकराल रूप। अर्जुन इतना डर गया कहते प्रभु इसको मेरे को तो वही दो भुजाओं वाला रूप का दर्शन करा दीजिए, मेरे को डर लग रहा है आपका ये रूप देखकर। वास्तव में वो दिव्य दृष्टि भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए और निरंतर हरि नाम करते हुए, तो वो दिव्य दृष्टि इन्हीं नेत्रों में जागृत होने लगे। वैसा शुद्धिकरण और वैसा सब जीव चाहिए और वो तभी संभव है कि जो मीरा जी ने भाव व्यक्त किया, मेरे तो गिरधर गोपाल तो सरोना थे, भले वो परिवार में रह रही हैं, पति के साथ रह रही हैं, राजमहलों में रह रही हैं, लेकिन मन से केवल कृष्ण के साथ रह रही हैं 24 घंटे, मेरे तो गिरधर गोपाल तो सरोना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति स्वयं। कहने के लिए लोग यही कहते हैं तो राजा भोजराज की पत्नी है, ये मेवाड़ की रानी, ये सब क्या, लेकिन मीरा जी अंदर से क्या मानती है, मैं तो भगवान कृष्ण की दासी हूँ, अंदर से बिल्कुल नहीं मानती मैं स्त्री हूं अपने को। कैसी मानसिकता में स्थित है मीरा जी, उनसे सीख लेनी चाहिए इस बात की, उस विचारधारा में 24 घंटे स्थित होना पड़ता है और वो तभी संभव होता है जब हरि नाम लेते हुए बार बार प्रार्थना करते हुए गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रे करें, आप कृपा करो जिससे मेरे बुद्धि में भी वो विवेक वो समझ जागृत हो, जिससे मेरा दृष्टिकोण भी आध्यात्मिक हो सके, वो दिव्य दृष्टि मेरे को मिल सके, जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं, जो आप मेरे अंग संग सब सब और हैं लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहे, क्यों, नेत्रों में अभी प्रेम रूपी अंजन नहीं लगा, अभी प्रेम है लेकिन कौन सा प्रेम है, संसार के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, पैसे के प्रति, और कई जगह प्रेम है अभी तो, शरीर के प्रति,
मेरा शरीर, मेरा मेरा शरीर, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सबसे ऊपर ये गीता ये एजुकेट करती है, शिक्षित करती है कैसे शरीर के स्तर से धीरे धीरे ऊपर उठा जाए और आत्मा के स्तर पे आकर पहले 2400 घंटे स्थित हुआ जाए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हूं, शाश्वत अंश हूं, मेरे को कोई मार नहीं सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर शरीर को कोई नष्ट करता है, वो शरीर ने अपने समय पे नष्ट होना है, किसी के करने से नष्ट नहीं होना। जब समय आएगा तभी शरीर का नाश होगा, फिर मैं भयभीत क्यों हूं, डरूं क्यों मैं? इसी को साधना में धीरे धीरे ये भय खत्म होता है, जैसे शरीर के प्रति हमारा मोह छूटता जाएगा, हमारा डर खत्म हो जाएगा भय का। जब तक शरीर में आसक्ति है, जब तक शरीर से संबंधित वस्तुओं व्यक्तियों में आसक्ति है, परिवार में, तब तक ये डर खत्म नहीं होगा, भय खत्म नहीं। इसीलिए नियमों का पालन, नाम जप निरंतर करना और गीता भागवत का निरंतर निरंतर 2400 घंटे श्रवण कीर्तन से धीरे धीरे ये स्थिति आएगी। निरंतर हरि नाम करते हुए सारे कार्य करते रहें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण जी। जब हम लोग बड़ी मूर्ति करने लगते हैं तब उनकी ज्यादा पूजा करने क्यों पड़ती है? ज्यादा, दोबारा बोलिए। जब हम लोग घर में बड़ी मूर्ति रखते हैं तो ज्यादा पूजा क्यों करनी पड़ती है? ज्यादा पूजा, अभी आप एक चीज देखें, घर में अगर छोटी सी मूर्ति है तो थोड़ी सी आपको वो करनी होगी, छोटा सा बच्चा है कोई आपका, ठीक है उसका ध्यान, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े अगर हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी तो बढ़ती जाएंगी ना। आप जब एक महीने की थी, आपकी नीड्स कितनी थी? आपके पॉकेट मनी मांगती थी जब एक महीने की थी अपनी मदर से कि मेरे को कुछ पैसे दे दो, मेरे को जाना है मार्केट में परचेसिंग करना है? समझ ही नहीं थी आपको। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी बड़ी हुई, आपकी नीड्स भी बढ़ती जा रही है, आपकी आवश्यकताएं भी, आपके और चाहिए मुझे, और पैसे दो, मेरे को बड़ी एड्रेस लेनी है, मेरे को ये लेना है, मेरे को ये, और डिमांडें आपकी बढ़ती चली जा रही है लगातार। ठीक ऐसे ही भगवान का छोटा सा विग्रह है तो उनकी इच्छाएं भी, उनकी सेवा भी थोड़ी सी होगी। लेकिन जैसे जैसे भगवान बड़े अगर विग्रह रखोगे, भगवान के बड़े आपके पास होंगे स्वरूप, तो उनकी सेवा भी फिर वैसी करनी पड़ेगी ना। सात बार 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 उनको सात बार भोग लगाना, आरती करना, उनका श्रृंगार करना, सब चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे आपके लिए है हमने बताया, जैसे इस तरह से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी भक्त को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद जी की भगवद गीता मिली तो जीवन में भक्ति मिली, अब आपके श्रीमुख से सुनने मिल गई है तो शायद एप्लीकेशन भी होना शुरू हो जाए। जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि हम रोज सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सब कुछ यहाँ पे नश्वर है, या जहाँ पे कहीं पे भी मोह रह गया तो मतलब अगला जन्म हमें लेना पड़ेगा। जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल करने में मतलब चूक जाते हैं, तो फिर मतलब कभी कभी इस वजह से निराशा भी होती है कि मतलब जब हो ही नहीं पा रहा है तो क्या फायदा, मतलब फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, या छोड़ो भगवान के ऊपर ऐसे सोच के, तो फिर कैसे उसको मतलब कब होगा वो प्रैक्टिकल, ये भी एक अपने आप में लगता है कि असल में हो नहीं पाने का कारण तो हम खुद ही, हमने जो पहले प्रैक्टिस नहीं की अपनी इंद्रियों को, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, इसको डिसिप्लिन में या भगवत गीता के अनुसार जो तरीका है अनुशासन, उसके अनुसार, गीता के अनुसार कभी इसको अभ्यस्त नहीं करवाया ना। अब जब अभ्यस्त नहीं किया तो स्वाभाविक बात है शुरू में तो कठिनाई हर एक को आएगी ही। एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो भी अपने आप से रोटी तोड़ के नहीं खा पाता जब 6 महीने का है, 1 महीने का है, 15 दिन का है, लेकिन कितना समय लगता है उसको धीरे धीरे, पहले बैठना भी सीखता है, फिर खड़े होना नहीं सीख पाता, फिर गिरता है बार बार, पहले बैठना ही नहीं सीख पाता, लुढ़क जाएगा बार बार,
लेकिन अभ्यास अगर आप कहते हैं क्या फायदा, कोई छोड़ो करो ही नहीं, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना इन कष्टों से छूटने का। अगर इससे हटकर कोई और रास्ता होता, जैसे हम बार बार के इन कष्टों से, बार बार की परेशानियों से, जन्म मृत्यु से, बुढ़ापे से, बीमारी से छूटने कोई और रास्ता होता तो आपसे पहले हम ही अपना लेते उस रास्ते को, लेकिन और कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे कितने भी पंथों, कितने भी तरह से लोग जो चल रहे हैं रिलीजनों में चल रहे हैं, लेकिन अगर फाइनल अगर कभी चाहेंगे तो उनको घूमकर आना ही पड़ेगा इसमें, नहीं तो फिर अधूरेपन के अंदर ही वो रियलाइजेशन के अंदर फिर उन्हें समय लगाने पड़ेंगे। जैसे भगवान ने कहा कि अगर कोई निराकार मान के करता है तो वो मेरे प्रकाश में घूमता रहेगा, जैसे सूर्य के प्रकाश के अंदर बहुत सारे धूल के कण घूमते हैं असंख्य, ऐसे वो आत्माएं घूमती रहेंगी, लेकिन कभी मैं उन्हें अवसर दूंगा किसी भक्त परिवार में, वैष्णव परिवार में जन्म लेके भक्ति करने का, भक्ति पूर्ण करने का, लेकिन उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना। जैसे एक सिस्टम है कंप्यूटर में, उसकी हार्ड डिस्क में एक प्रोग्राम डाला है, तो उस प्रोग्राम से हटकर कोई और तरीका है ही नहीं। इसी तरह से मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का और कोई फाइनल आखिरी पूर्ण जो है वो कोई और तरीका है ही नहीं। उसे आज कर ले, कई जन्मों के बाद कर ले, कई युगों के बाद कर ले, कई कल्पों के बाद कर ले, कई मंत्रों के बाद, लेकिन करना तो पड़ेगा उसे। लेकिन मनुष्य जीवन के अलावा और जन्मों के अंदर वो समझ नहीं पाएगा इस रास्ते को पूर्ण। लेकिन अभ्यास जो नहीं है इंद्रिया मन बुद्धि का, हम 24 घंटे में कितनी बार लापरवाही कर रहे हैं, जरा सोचिए ना, कमी कहाँ रह रही है। कमी सामने वाले व्यक्ति की ओर से रहती हो ना, तब हम कहें जी मेरा जोर ही नहीं चलता, वो सुनते ही नहीं मेरी बात को, तो मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ तो जोर अपने ऊपर चलाना है, अपनी इंद्रियां मन और बुद्धि को अभ्यस्त करने पे, संयम में लाने में, उसमें बताइए कमी किसकी है। हम खुद अपनी आंखों को ढील देते हैं अनावश्यक देखने में। पहले कभी कुछ दिखाएंगे, मोबाइल दिखाएंगे, कभी टीवी दिखाएंगे, कभी कुछ आंखों से दिखाएंगे व्यर्थ में। अच्छा खाली है, चलो बाहर लॉबी में खड़े होते हैं, लोगों को आते जाते ही देखते हैं किस रंग के कपड़े पहने, कौन जा रही है, कौन आ रहे, बस तो गलत छूट कौन दे रहा है इंद्रियों के ऊपर, विचार कीजिए। छूट भी तो हम खुद ही दे रहे हैं ना, आंखों को, कानों को, जीभ को, स्किन को, त्वचा को, नाक को, इसी तरह से मन को, इनके माध्यम से मन को छूट दे रहे हैं। कुछ भी सोचता है उसे रोकते ही नहीं, सोचने ही देते हैं। अब वो इतना आदत उसकी पक गई है कि उसको हम हटाने की कोशिश थोड़ी देर करते फिर छोड़ देते, करने सोचने को, तो जो सोच रहा है। लेकिन मन को बार बार ऊंची आवाज में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके, जप कीर्तन करके, इस मन को डाइवर्ट करना होगा ना बार बार, उन सब चिंतन से हटाकर उस आत्मा और परमात्मा के, उन भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोपियों के, गोप बालकों के, भगवान कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में इसको मोड़ना तो होगा। और मोड़ने का यही अभ्यास है, सबसे मुख्य जो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तों की संगति में रहना, और फिर ये जो वैदिक ग्रंथ है गीता भागवत का, इसका अध्ययन श्रवण करना, निरंतर नाम जप कर, ये अभ्यास से हमेशा के लिए ये इस जन्म मृत्यु के चक्र से, बुढ़ापा, बीमारियां, इन कष्टों से छूट सकते हैं। सर्दी गर्मी कष्ट भोग रहे हैं, कहते चलो ऐसे ही चलने दो, तो चलने दोगे तो फिर भोगना पड़ेगा उतना ही। ये सब वही है जो 84 लाख योनियों में, जिन्होंने कहा चलने दो जैसे चल रहा है, हमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो भोगो, कभी कोई पशु बन के, कभी पक्षी बन के, कभी वृक्ष बन के खड़े रहो, पड़े रहो, ऐसे जीते रहो, तरह तरह के कष्ट व्याधियां भोगते रहो। उस समय दुखी होने, कष्ट भोगने से उस समय फिर हम तड़पेंगे, इससे अच्छा क्यों नहीं मनुष्य जीवन में समझे। जैसे बच्चा कहता है जब पढ़ाई डिफिकल्ट है, जब मन नहीं लग रहा, छोड़ो ना, क्या करना पढ़ाई को, खेलते रहो ना जीवन। वो नहीं करते बच्चे के लिए कि हाँ बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, जब खेलते रहो कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत होके खेलो, खाओ सो जाओ पर खेलो, बच्चे के लिए नहीं करते। और अपने लिए कैसे करते हैं, जैसा करते करने तो फिर हम सोचते हैं ऐसा करने दिया जाए, लेकिन नहीं। जैसे हम बच्चे को बार बार डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाते हैं, कभी प्रेम से, कभी डांट कर, कैसे भी, ऐसे ही इस बदमाश मन को भी डिसिप्लिन सिखाना है, जो इंद्रियों के द्वारा बार बार भोगों की तरफ जाता है, इसको बार बार कृष्ण की ओर तरफ लाना है। बार बार जाएगा, बार बार भगवान कृष्ण, अगर आंखें देखना चाहती है ना, बड़ी इच्छा है भगवान कृष्ण राधा रानी को दिखाओ छवि को, कान सुनना चाहते हैं कोई बात नहीं, हरि नाम सुनाओ इसको, मुंह से बोलो कान सुनो, जीभ सवाद लेना चाहती है कोई बात नहीं, घर में शुद्धि से पका के भगवान को भोग लगा के प्रसाद इसको दो खाने को, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा स्पर्श करना चाहती है कोई बात नहीं, भगवान का विग्रह का श्रृंगार करो उनका, और भगवान की सेवा करो इन हाथों से, इस शरीर से, इस तरीके से इस शरीर को भगवान की सेवा में
इंद्रियों को, और इंद्रियों के माध्यम से जब बार बार अभ्यास करेंगे ना भगवान की सेवा में लगाने का, ये मन धीरे धीरे कृष्ण के चिंतन में लग जाएगा, हटेगा ही नहीं फिर। हटाना चाहे तो नहीं हटेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण है गोपियां, जो हमने पहले भी सुनाया। गोपी गई जमुना जी में जल भरने के लिए, अभी जल भर रही थी, इतनी कृष्णमय कृष्ण के चिंतन में ऐसी खोई है कि जल के अंदर कृष्ण की छवि दिख गई, जमुना जी का श्याम रंग और उसमें श्याम जी की छवि दिख गई भगवान कृष्ण की, मटकी तो वहीं पड़ी रह गई और परिणाम में वो छवि देख के वहीं समाधि लग गई, आंखें बंद करके बैठ गई। नारद जी ने देखा आकाश मार्ग से जाते हुए, नारद जी आके देखने लगे, अरे इसको समाधि लगाना किसने सिखाया, गोपी को उसको कहते हैं हिलाकर, फिर कोई समाधि लगाना किसने सिखा दिया। तो गोपी कहती आपको कहा किसने, मैं समाधि लगा रही थी। नारद जी कहते फिर कर क्या रही थी इतनी देर से, तपती दोपहरी में तू बैठी है आंखें बंद करके कर क्या रही है। कहते मैं तो उस छलिया को कृष्ण को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, कितने भी मैंने प्रयास किए सारे प्रयास कोशिशें मेरी विफल हो गई, बेकार हो गए। मैं मन से उसे बिल्कुल निकाल देना चाहती हूँ, जो छल करके हमारे मन को चुरा के खुद मथुरा में जाके बैठ गया। मैं तो भुलाना चाहती हूँ इनको, लेकिन करूँ क्या, ये मन भूलता ही नहीं। ये है अभ्यास, जिसको भगवान खुद भी कह रहे हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन चगृहते। अर्जुन नियमित अभ्यास से एक दिन यही इंद्रियां, यही मन, यही बुद्धि कृष्ण की केवल चिंतन में, कृष्ण के ही बारे में सोचने में, कृष्ण के लिए ही लग जाएंगे। ये इंद्रियां मन बुद्धि हटेंगी नहीं, और कुछ देखना ही नहीं चाहेंगे, और कुछ सुनना ही नहीं चाहेंगे, और कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ खाना ही नहीं चाहेंगे ये जीव। मन मांगेगा अभ्यास, नियमित अभ्यास, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी अभ्यास से कुछ भी। कहते ना करत करत अभ्यास दे जड़मती होत सुजान, जैसे रस्सी आत शिला परत निशान। रस्सी के बार बार आने से पत्थर पे भी निशान बना देती है रस्सी, जबकि रस्सी कितनी सॉफ्ट है, पत्थर कितना हार्ड है। ऐसी जड़मती भी सुजान बन जाती है, जिसका है कालिदास जी या इस तरह के कई हुए, जो एक समय बिल्कुल अज्ञान में पड़े थे, क्या कर रहे थे, पेड़ पे बैठ के जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे थे, और डाली पे बैठे और काट रहे तने से अलग कर रहे हैं उसको। और मंत्री ने देखा कहा ये क्या कर रहा है, कहते क्या दिखाई नहीं देता, दिन निकला हुआ दिख नहीं रहा, कहते ये तो काटेगा तो नीचे गिर पड़ेगा, कहते मैं जान तो तभी तो काट रहा हूँ, कहते क्यों, कहते नीचे आने में समय लगेगा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। उसको लेके राजा के पास में बैठा दिए उस मूर्ख को, और राजा ने भी उसको अपने पास रखा। तो परिणाम वही, बाद में फिर महाकवि कालिदास हो गए। ये ऐसा अभ्यास ऐसी चीज है, ये वही तुलसीदास जी थे, एक समय स्त्री के बिना एक रात भी नहीं रह सकते थे। ये वही तुलसीदास जी हैं जो भगवान राम की कथाओं में मग्न हो गए और ऐसी मन की स्थिति बन गई, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपानी, मैं सारे संसार की स्त्रियों में सीता जी और सारे पुरुषों में राम जी की छवि मेरे को दिख रही है, दोनों हाथ जोड़कर मैं सबको नमन करता हूँ, संसार के सभी स्त्री पुरुषों को। ये वही तुलसीदास जी है, वही बिल मंगल ठाकुर है जो कृष्णमय जो राममय हो गए। ये बात बताती है अभ्यास से कुछ भी हो सकता है, ये बिगड़े से बिगड़ा मन भी ठीक हो सकता है, लेकिन गुरु गौरंग राधा कृष्ण कृपा से, अपने प्रयासों से नहीं। हम अपने प्रयास करते हैं बिना उनको प्रार्थना किए ठीक से, लेकिन कहा है निर्बल के बल राम। जब तक आप अपने को सब जब अपने अहंकार से आप कोशिश करके जब थक जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन ये बात में समझ आएगी हाँ मैं तो बिल्कुल निर्बल, मेरे सारे प्रयास विफल हुए, अब तो मैं केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण पर ही आश्रित हूँ गुरु जी आपके ऊपर। जब बार बार हृदय से उनको प्रे करेंगे, रोएंगे, प्रार्थना करेंगे बार बार, और फिर हरि नाम करेंगे, तो गुरु गौरंग राधा कृष्ण की शक्ति के द्वारा आप देखेंगे मन एकदम अचानक पलट जाएगा। जिसको इतने सालों की मेहनत से नहीं पलट पा रहे थे, अचानक उसे सारे विषय भोग वासनाओं को छोड़ दिया और कृष्णमय हो गया। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन आर ए वोमेन परफेक्ट। अभ्यास से कुछ भी संभव है, इसलिए हार मानना जीवन का ये नहीं है तरीका, कभी भी हार। प्रभुपाद जी कहते आखिरी श्वास तक हार मत मानो, इस माया के प्रति हमने जब युद्ध छेड़ दिया है, अब इस युद्ध में हमें पीछे नहीं हटना है, इस युद्ध को हर हालत में हमें जीतना है। अगर हम नहीं जीते तो ये माया जीत जाएगी, कैसे जीतेगी, 84 लाख जोनियों में डाल देगी, दोबारा से पटक देगी, इसलिए इसको जीतने नहीं देना है। क्योंकि हम जानते हैं ये माया अपने आप में कितनी ताकतवर हो, लेकिन हमारे मायापति कृष्ण के आगे इसकी तो आवाज नहीं निकलती गले से, इसके हाथ पर फूल जाते हैं,
घबरा जाती है, भयभीत होकर खड़ी होती है। हम उन कृष्ण की सेवा में लगने का, उनकी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना है माया कितनी पावरफुल हो, मायापति के आगे इसके कुछ पर केवल उनका प्रतिबिंब परछाई मात्र है, कुछ नहीं कर सकेगी हमारा। इसलिए भक्त जो है भगवान की उसके ऊपर बलि है, उस बल पे बोलता है, अपने गुरु गौरांग राधा कृष्ण के बल पे बोलता है, अपने बल पे नहीं। इसलिए हमें निर्बल के बलराम, हमें निर्बल मान के गुरु गौरांग राधा कृष्ण पर आश्रित होना है, उनके शरणागत, और फिर उनसे जो एनर्जी शक्ति मिलेगी खेल खेल में, ऐसे ही ये भवसागर पार हो जाएगा जैसे गाय के खुर से एक गड्ढा बन जाए और उसमें पानी भर जाए। अब उसको बताइए जंप मारना कितना कठिन है, इतने से खुर को जंप मारना क्या कठिन होगा। ऐसा है ये भवसागर, केवल उसके लिए जो पूरी तरह से गुरु गौरंग राधा कृष्ण पे आश्रित हो जाता, समर्पित 24 घंटे उन पर आश्रित रहता है, प्रार्थना करता है निरंतर हरि नाम। इसलिए गुरु महाज कहते हैं करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करा। ये है एक लाइन गाना, और जब व्यवहारिक रूप में जब जीवन में उतरेगी ना ये, तब आप समझेंगे लाइनों का अर्थ क्या होता है। करामात जब खुद व्यवहारिक रूप में जब अनुभव, लेकिन शुरू में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, जो कई जन्म जन्मांतरों से अभ्यास ही नहीं किया ठीक से सीरियसली, और अभी भी सीरियस नहीं होने को तैयार मन, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हार मानना किसी चीज का सॉल्यूशन, हार तरीका नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक इस पर से माता जी, इस पर से कंटिन्यू मुझे पूछना था, मैं पूछ लूं पहले? पूछ लीजिए, फिर मैं पूछूंगी। हाँ जी, जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि निर्बल के बल राम, तो ये हम देखते हैं, मतलब या जिस दिन जब हम सच में अपने आप को असहाय समझते हैं, तो फील भी होता है बहुत बार कि भगवान तुरंत सुन लेते हैं, या मतलब होता है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं वैसा कंटिन्यूस हम उसमें मतलब कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो अंदर से वैसा भाव नहीं आ पा रहा, तो वो अहंकार तो नहीं छूट रहा ना, कि जब तक हमको लगता है कि हाँ ये मतलब हम कर सकते हैं, या उसमें तो यहाँ पे ये जो अटका है गुत्थी, वो कैसे सुलटेगी, मतलब कैसे वो अंदर से आएगा, कि अंदर से हम अपने आप को वो समझें कि हाँ भाई हम सच में निर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र कहता है जब हम प्रमाणिक गुरु भगवान कृष्ण से चल रही जो परंपरा में, जब भगवान श्री कृष्ण का जो प्रतिनिधि है भगवान कृष्ण का, जब उनके मार्गदर्शन में, आज्ञाओं में, जब हम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पक्के होकर पालन करते हुए जब इस मार्ग पर चलते हैं, उनको बार बार प्रार्थना करते हुए, तो धीरे धीरे, मैंने जैसे बताया एक समय हमने गुरु महाराज से कहा, महाराज मैं नहीं चाहता मन में कोई भी बुरा विचार आए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा आ जाता है कि मन में कोई बुरा विचार अगर आता है तो क्या करना चाहिए, क्या करें। भगवान महाराज कहते ये भी तेरा अहंकार बोल रहा है। क्यों? मैंने कहा मैं नहीं चाहता, ये जो मैं नहीं चाहता यही तो अहंकार है। महाराज कहते हैं जब तक तू गुरु के ऊपर पूरी तरह से, गुरु पे, गौरांग महाप्रभु पे, कृष्ण पर समर्पित नहीं होता, तो ये अपने प्रयासों की जगह मेरे को बार बार गुरु गौरंग राधा कृष्ण को, आचार्यों, गुरु परंपरा, षड गोस्वामी, गौर निताई, पंचतत्व, उनके चरणों में बार बार मनी मन प्रार्थना करके प्रयास करना है, उनकी शक्ति से, उनको प्रार्थना करके उनसे शक्ति मांगनी है, उनकी शक्ति से प्रयास करना है, तो परिणाम में तब सफलता मिलेगी, अपने प्रयासों से नहीं। हम क्या करते हैं, अपने बलबूते पे प्रयास में लगे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है ना इस तरह से हर बात पे अपना कोशिश करने की, थोड़ा सा कोशिश की और माया ऐसा जैसे सांस चल रही है ना, ऐसे ही गुरु गौरंग राधा कृष्ण का ही स्मरण, उनकी प्रार्थना चलनी चाहिए सांसों के साथ में, और हरि नाम चलना चाहिए। जब बार बार प्रार्थना करेंगे ना कि आप कृपा करो, जो जो दोष है, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं
प्रभुपाद जी के दिव्य गुरु महाराज कहते हैं अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, फिर एक एक दोष पे मेडिटेट करो कि ये दोष मुझे छोड़ना है जीवन से। एक दोष को छोड़ने में 3 साल लगते हैं, तो सोचिए कितने सारे दोष हैं। इसलिए गुरु गौरंग राधा कृष्ण को बार बार प्रार्थना करके उनसे शक्ति मांगनी है। जैसे एक बार मेरे को याद है शुरुआत में हमें कहीं पर प्रवचन करने बैठा दिया और वहां पे सामने सैकड़ों लोग बैठे थे, हमें अभ्यास नहीं था नाम कोई के, तो हमारे तो हाथ पैर फूलने लगे और सारे एजुकेटेड ऐसे सब क्लास। तो हमने क्या किया, हमने की आंखें बंद और आंखें बंद करके गुरु महाराज को प्रार्थना की, देखिए महाराज अब यहाँ पर बैठा तो दिया व्यास आसन के ऊपर और मेरे को तो यही नहीं ध्यान में आ रहा बोलना क्या है मेरे को, इसलिए ऐसा करिए, देखिए मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। मन में हम गुरु महाराज को मना रहे हैं आंखें बंद करके, देखिए मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, आप मेरे हृदय में बैठ के जो बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलने वाला बस। और उसके बाद में जब बोलना शुरू किया आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और परिणाम में देखते देखते जितनी देर प्रवचन चला सभी भावुक हो गए। कहने का अर्थ ये है जब हृदय से प्रार्थना करके जब उनके ऊपर छोड़कर जब कार्य करेंगे ना तो कार्य की सफलता दिखाई देगी, अनुभव होगी। लेकिन हम बार बार अपनी पुरानी आदत के कारण अपने फॉल्स ईगो अपने मिथ्या अहंकार से कार्य करना चाहते हैं कुछ भी, और थोड़ी सी सफलता की झलक लगती है अहंकार और बढ़ जाता है, मैंने किया ना ये मैंने किया, और थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया तो देख प्रभु इच्छा भगवान की, कैसे बदमाश है ये मन, गड़बड़ हो जाए तो भगवान की इच्छा, सही हो जाए तो मैंने किया, इसकी ये बदमाशी बंद करनी है इस मन की। तो बार बार प्रार्थना करके उनको उनकी शक्ति से कार्य करना है, उनकी शक्ति जब बार बार मांगेंगे ना ये अहंकार धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ गायब हो जाएगा। इसलिए 13वें अध्याय के 9वें 8 से 12 श्लोकों के तात्पर्य में बताया अहंकार भी दो तरह का है, एक है मिथ्या अहंकार या झूठा अहंकार फॉल्सी को जिसे कहते हैं, एक है शाश्वत एक सही अहंकार। मिथ्या अहंकार या झूठा अहंकार क्या है, अपनी शरीर से पहचान करना, आत्मन से ना मानकर शरीर से पहचान करके सारे काम करते रहना, बस शरीर से मैं मानता। और सही पहचान क्या है कि मैं जीवात्मा हूं परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं अपने को मानना, वो वास्तविक अहंकार है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इस विचारधारा में स्थित होंगे जब हम जितना भी दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करेंगे। लेकिन हम बीच में 24 घंटे में कई कई घंटे ढील देते हैं ना, अभी क्लास खत्म होगी होमवर्क मिला है ये सब जो क्लास पे सुना इसकी प्रैक्टिस करने का, और फिर देखिए अगली क्लास तक के बीच में कितनी बार आपने छूट दी इंद्रियों को मन को बुद्धि को, आपको खुद पता चल जाएगा जब क्रॉस चेक करेंगे रात को सोने से पहले आंखें बंद करके बैठिए, देखिए कितनी बार मैंने छूट दी, कितनी बार आपको याद आएगा आंखों को मैंने व्याकार में देखने दिया इधर उधर मोबाइल को टीवी को, कितनी बार मैंने आंखों को कानों को व्यर्थ में इधर की बातों में लगाया, कितनी बार मैंने अपने आप को इधर संसारिक जो नहीं आवश्यकता थी लेकिन जानबूझ के मैंने लगाया केवल संसार से रिश्ते बनाए रखने या अनेक अन्य कारणों से स्वार्थ के कारण। तो ढील तो हम खुद दे रहे हैं, फिर उसके बाद में हम दोष किसको देंगे, दो बदमाशी तो मन की है क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ढील तो मन को बंद दे रहा है, मन को आदत पड़ी है वो लत वही तो छुड़ानी है इस प्रैक्टिस से। लेकिन अभ्यास करने से भगवान कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे मन के अंदर वैराग्य या विषय भोगों से मन हटेगा, चुटकी बजाने से नहीं होगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। लेकिन अभ्यास आप कहीं ना कहीं गलती छूट दे रहे हैं ना, आप होमवर्क ही प्रॉपरली नहीं करते तो परिणाम कैसे रिजल्ट आपको दिखाई दे, इसलिए रिजल्ट पूरे दिख नहीं रहे। क्लास में बड़े सीरियस हो जाएंगे, क्लास जब पूरा चलेगी तो बड़े सीरियस सिंसियर होकर बैठेंगे सुनने के लिए, क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन जब उसके बाद होमवर्क का टाइम आएगा तो उस समय में आंखों को कानों को जीभ को नाक को त्वचा को मन को इनके माध्यम से बुद्धि को गीता से हटकर निर्णय मन मर्जी के निर्णय लेने उसमें छूट दे देंगे इंद्रिया मन बुद्धि के ऊपर, और फिर अगली क्लास में कहेंगे कि अभी प्रैक्टिस मेरे से हो ही नहीं पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही, बीच में होमवर्क प्रॉपर नहीं किया जो प्रैक्टिस करनी थी, इंद्रिया मन बुद्धि को एक केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण की आज्ञा में सेवा में उनके लगाने की परिणाम में। तो उस कमी को बार बार जो अभ्यास ठीक है इस मन की आदत बिगड़ गई, लेकिन बिगड़ी हुई आदत को सुधारा जा सकता है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को अभ्यास तो कौन था या किसके लिए, मन के लिए है। भगवान कृष्ण मैं मानता हूं चंचला ही मना कृष्णा, अर्जुन कहता है ये मन बहुत चंचल है, भगवान कहते हैं मैं मानता हूं असंशय ही महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, मना दुर्निग्रहम चलम, मन बड़ा ही दुराग्रही है, हम नहीं चाहते फिर जाता है बार बार भोगों को, आंखों को ले जाएगा कानों को ले जाएगा बार बार,
अनावश्यक व्यर्थ में देखने में, और फिर कहते हैं मन में चिंतन होता है बेकार का। छूट किसने दी? छूट भी तो देने में हमने ही तो इस पर ढील दी है ना मन के ऊपर। गीता से हटकर मन बुद्धि को ऐसे कुछ भी निर्णय, जो जैसी आदत थी वैसी निर्णय चलने दिए, उसको गीता के अनुसार ढालने के लिए मार्गदर्शन ही नहीं लिया। जब अपने आप से निर्णय नहीं समझ आ रहा गीता से, तो आप मार्गदर्शन लीजिए भगवान के प्रतिनिधि से। ऐसे करके अभ्यास करना होगा, नियमित अभ्यास। थोड़ी सी भी ढील एक सेकंड की क्या, एक मिनट की क्या, एक सेकंड की भी नहीं दी जा सकती। इसलिए जो वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं जो साधु, वो क्या करते हैं, प्रति क्षण अपने हर एक क्षण को संभालते हैं कि वो व्यर्थ में वेस्ट ना हो। और हम कितने कितने घंटे मोबाइल पे वेस्ट करते हैं, जरा विचार कीजिए। टीवी पे वेस्ट करते हैं, सांसारिक बातों में वेस्ट करते हैं, या फिर अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वेस्ट करते हैं। कितना कितना समय उस सबका रिएक्शन कहाँ जाएगा? वो रिएक्शन यही है जो सामने आपके आ रहा है। धीरे धीरे इसको रिएक्शन को से बचने के लिए वो एक्शन जो है वो कृष्ण में करते जाइए, रिएक्शन अपने आप खत्म हो जाएंगे, कृष्ण में हो जाएगा। हरे कृष्ण। अभ्यास सीरियसली और हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। मेरा फ्रेंड ने दो प्रश्न पूछा था मुझसे, और कहा था कि प्रभु जी से पूछ के मुझे बताना। और उसका पहला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने जो है जब मतलब महाभारत युद्ध होने ही क्यों दिया, अगर दुर्योधन और पापियों ने सब मतलब दोष किया था तो वो अकेले उनको मतलब उनको पनिश करते, तो युद्ध होने के बारे जब युद्ध हुआ तो उसमें बहुत लोग पनिशमेंट पाए, तो मतलब जो उसका दोष नहीं था वो भी मतलब पनिशमेंट पाए। तो उसका पहला प्रश्न था कि वो खुद क्यों नहीं पनिशमेंट कर दिया अपना, उनके पास तो चक्र था तो चक्र से सुधर मतलब उसको मार देते, पापियों को मार देते जितने पाप किए, जैसे कि दुर्योधन दुशासन उनको मार देते। और दूसरा प्रश्न उसका ये था कि जो है ईश्वर, वो उसका कहना था कि ईश्वर एक जो है, एक प्रश्न का आंसर पहले ले लीजिए फिर दूसरा प्रश्न कीजिएगा ना, पहले एक का आंसर ले लीजिए जी। जो आपने बात कही, उन्होंने जो आपके कहा फ्रेंड ने कि केवल दुर्योधन का या उसके भाइयों का दोष था, ऐसा नहीं था। दुर्योधन का तो दोष था ही उसके भाइयों का, लेकिन उसने क्या किया, उसने उन सारे अपराधी पापी जो अनेक तरीके से अपने अपनी फील्ड में ये सब अधर्म अनीति कर रहे थे, उन सबको, वो सब उसके पीछे साथ चले। कहते हैं ना जैसे जैसे कह सकते हैं साधु को मिले साध, ठग को मिले ठग, ठगों को ठग ही साथ मिलते हैं और साधु को साधु। तो वो सारे के सारे जो उसके साथ देने वाले थे दुनिया के, वो सारे राजा या वो सब कहीं ना कहीं उन सब ने जब अधर्म का पक्ष लिया, ये घोषणा की थी युद्ध शुरू होने से पहले। किसने की थी? युधिष्ठिर महाराज ने की थी। क्या घोषणा की? अगर किसी को लगता है धर्म मेरे पक्ष में नहीं है, वो अभी हमारी सेना को छोड़ के सामने चला जाए, दुर्योधन की सेना की तरफ, कौरवों की तरफ, हम उसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और कौरवों के पक्ष से अगर किसी को लगता है धर्म हमारे पक्ष में, तो छोड़ के आ जाए, हम तैयार हैं अपनाने के लिए। और दुर्योधन का आ गया था एक मास, उनका भाई था या कोई, वो एक आ गया था इनके पक्ष में। और बाकियों ने जब अपनी इच्छा से अब धर्मियों के पापी के संग में खड़ा होना, उनके तरफ से अधर्म का साथ देना चाहा, तो आप कैसे कहते हैं कि केवल दुर्योधन ही पापी था? अगर आप सही थे तो क्यों खड़े हुए अधर्म के पास, उनके पक्ष में जाकर, दुर्योधन के पक्ष में? तो यहाँ पर ये जो उनकी समझ है, इसको महाभारत से उन्हें ये बात समझनी होगी पहले, कि दुर्योधन का साथ देने वाले सारे अधर्मी थे। भले उन्होंने उस समय पाप किया या कुछ महीने साल पहले पाप किया या कभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब पाप किया हो तो पापी का तभी साथ देगा व्यक्ति, चोर चोर का ही साथ देगा। तो वो सब साथी उसके थे, सबने अधर्म पाप और अनीति का ही जीवन अपना रखा था। भगवान ने बहाना बनाया था दुर्योधन को उन सबको इकट्ठा करने के लिए, और इकट्ठा करके उन सबको दंडित करने के लिए, पनिश करने के लिए माध्यम बनाया था। और फिर भगवान ने मारा, भगवान को मारना चाहिए था उन सब लोगों को, कोई बेकार में इस संसार में। जब ये कहावत जो है ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी अगर नहीं हिलता, तो बिना कारण के यहाँ पर किसी को सुई भी नहीं लग सकती, तो मरना तो बात बहुत दूर की है भाई। एक सुई नहीं लग सकती, टच हो सकती बॉडी को, बिना कर्म के, बिना कारण के, बिना कोई सर पे ना हो अगर कोई कर्म हो तो। वहां पर बर्बरीक की घटना मैंने पहले कई बार सुनाई थी,
शायद आपने नहीं सुनी ऐसा लगता है, बर्बरीक जो है, जो हिडम्बा जो है उनके पोते थे, तो परिणाम उनने बर्बरीक ने, लंबी घटना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं उनकी घटना को, उन्होंने ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली, उन्होंने अपनी दादी से कहा मेरे को आप बताओ कैसे मेरी मुक्ति होगी जल्दी से जल्दी, मैं इतना समय नहीं लगा सकता, तपस्या ही करूं ये करूं, आप कोई आसान तरीका बताइए मुक्ति का। तो उन्होंने कहा जो भगवान कृष्ण की भक्ति हिडम्बा, उन्होंने कहा उसका सबसे आसान तरीका तो अगर भगवान कृष्ण के हाथों कोई मारा जाए उसकी समय उसे मुक्ति हो जाती है उसकी, कहते ये बढ़िया तरीका, मैं तो कृष्ण के हाथों मरूंगा। वो हंसते हुए कहती है कि बेटा कृष्ण ऐसे बिना कारण के कभी किसी को मारते हैं, कोई कारण तो होना चाहिए, और फिर कृष्ण से लड़ने के लिए कुछ उनके बल शक्ति भी तो होनी चाहिए टकराने के लिए उनसे। कहते मैं वो शक्तियां हासिल करूंगा। उन्होंने कई तरह की तपस्या करके शक्ति हासिल की और एक अपराजित वैष्णवी ऐसी विद्या भी हासिल कर ली शक्ति, जिसके द्वारा वो महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही चल पड़े रथ लेकर, जानबूझकर भगवान कृष्ण से कैसे मरे इस तरह का व्यवहार करते हुए चले। उस युद्ध भूमि में अभी कुरुक्षेत्र की पहुंचने जा रहे थे, भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानने वाले हैं सृष्टि का कोई भी हरकत, उस समय भगवान कृष्ण पांडवों के पुरोहित के रूप में आके रस्ते में खड़े हो गए, मार्ग रोक लिया बर्बरीक का। कहते हैं बर्बरीक कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक कहता है अरे अरे ब्राह्मण तुम्हें मेरा नाम भी पता है? तो भगवान हंसते हुए कहते मेरे को सब कुछ पता है। कहते तुम कौन हो? कहते मैं पांडवों का पुरोहित हूँ। भगवान गप्पे मारने में तो एक्सपर्ट है ही ना, कहते पांडवों का पुरोहित बता दिया अपने को, समय में लीला करनी है भगवान ने। तो बर्बरीक को पूछा कहाँ जा रहे हो? कहते कि जो हारेगा मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा, उसके पक्ष से मैं युद्ध करूँ। कहते हारेगा ये क्या मतलब हुआ? अगर कोई हारने वाला अगर अधर्मी हो तो? कहते ये धर्म अधर्म आप जानो, ये मैं नहीं जानता, मैं तो बस जो हारेगा मैं तो उसकी उसको जिताऊंगा उसके दरवाजे पर। तो भगवान कहते हैं ये कैसा निर्णय है तुम्हारा, पर तुम्हारी आर्मी फौज कहाँ पे है? बर्बरीक कहते मुझे फौज की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। भगवान कृष्ण कहते पुरोहित के रूप में कहते पर तुम्हारे तुणीर में तो केवल तीन ही बाण है, इतना बड़ा युद्ध लड़ने आए हो तुम और तीन बाण? कहते तीन बाण तो बहुत ज्यादा, मैं तो एक ही बाण से युद्ध खत्म कर दूंगा। तो भगवान तो जानते ही थे, जानबूझ के ऐसी बातें करें। कहते पर मैं नहीं मानता। भगवान जानबूझ के हंसी करते हुए कहते उसकी हंसी उड़ाते हुए कहते दिखाऊं मैं? भगवान ने कहा दिखाओ। बर्बरीक ने उसी समय बाण एक अपने उस पे धनुष पे चढ़ाया और मंत्रों को करते उसमें शक्ति वो आई। जैसे ही सामने का ये वृक्ष है, इसमें कितने पत्ते हैं? अनगिनत पत्ते सामने वृक्ष जो है। अभी मैं बाण चलाऊंगा और एक ही बाण से कुछ ही पलों के अंदर सब पत्तों में छेद हो जाएगा। इधर इसने मंत्र करना, बर्बरीक ने शुरू किया आंखें बंद करके। भगवान जल्दी से वृक्ष के पास गए, एक पत्ता मुट्ठी में रख लिया, एक अपने चरण के नीचे दबा लिया। जैसे बर्बरीक ने बाण चलाया कुछ ही पलों में सारे वृक्ष के पत्तों में छेद हो गया। भगवान ने अपना करकमल खोला तो देखा उस पत्ते में भी छेद है, चरण का जब अपना चरण हटाया देखा उस पत्ते में भी छेद है। ऐसी शक्ति थी बर्बरीक के पास। भगवान ने कहा ये तो मानना पड़ेगा, शक्ति तो है तुम्हारे पास, पर मैं यहां से आगे तुम्हें अब नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो चाहता हूं धर्म की विजय हो और तुम अधर्मी का साथ देने चाह रहे हो, क्योंकि हारेगा तो अधर्म ही आखिर में। बर्बरीक कहता तुम ब्राह्मण मुझे रोकोगे? भगवान कृष्ण कहते पुरोहित ब्राह्मण के रूप में, कहते हाँ मैं रोकूंगा। तो उन्हें कहा ठीक है मैं अभी से धनुष से युद्ध शुरू होने से पहले सबको मार डालता हूं। अब जैसे ही बाण चढ़ाने लगे भगवान ने देखा ये तो पहले ही मूर्खता करने जा रहा है, तो भगवान ने खबरदार बर्बरीक ये बाण छोड़ा। तो बर्बरीक ने परवाह ही नहीं की जान, क्योंकि वो चाहता है ना भगवान को गुस्सा दिलाना जिससे उसकी मुक्ति हो, वो इसलिए जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो बाण जैसे ही करके करने लगा उस पर शक्ति आ भी गई। भगवान ने तभी फिर ऐसे एकदम चतुर्भुज रूप लिया और अपना सुदर्शन चक्र छोड़ के बर्बरीक का शीश काट दिया। जब शीश काट दिया तो परिणाम भगवान कहते बर्बरीक मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मजबूर कर दिया मेरे को अपना सुदर्शन चक्र चलाने के लिए। बर्बरीक कहते हैं प्रभु ये तो मैंने जानबूझ के किया है, अगर आप मुझे पहचान गए तो मैं भी आपको पहचान गया था अपनी शक्तियों के द्वारा कि आप कृष्ण हैं, आप भगवान हैं। मैं जानता था, मेरी दादी ने तो पहले ही सब बता रखा था मेरे को आपके बारे में। मैं तो आया ही आपके पास मरने के लिए था, अपनी मुक्ति के लिए, क्योंकि मैं इतने लंबे प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहता था कि मैं तपस्याएं करके मुक्ति प्राप्त करूं आपके हाथों। पर प्रभु मेरी मुक्ति हो जाएगी ना? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सिर हिलाया।
अब बर्बरी कहते मैं दो इच्छाएं लेकर आए थे युद्ध भूमि में, एक अपनी मुक्ति की और एक और इच्छा थी, लेकिन अब तो मेरी मृत्यु होगी, अब क्या फायदा उस वो इच्छा को। तो कहने बोलो बोलो क्या इच्छा है, मेरा दर्शन हुआ है मांगो। कहते पर वो इच्छा पूरी, उन्होंने मांगो तो सही। बर्बरी कहता मैं चाहता था कैसे धर्म की अधर्म पर विजय होती है, ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन अब शेष ही कट गया तो अब कैसे। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ये वरदान तथास्तु मैं देता हूँ, जब तक ये युद्ध चलेगा, जितने भी दिन चलेगा, उन 18 दिनों जितने दिन युद्ध चला, तुम्हारा शीश जीवित रहेगा, सब कुछ देखेगा ये, और परिणाम तुम्हें जो औरों को भी नहीं दिखेगा वो तुम्हें दिखेगा। और वो बर्बरीक ने देखा था। आखिर में जब युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख था, पांचों पांडव ये सोच रहे थे हम बड़े शौर्यवीर हैं, हमने युद्ध जीत लिया। भगवान ने उनका जो सूक्ष्म अहंकार था पांडवों का वो खत्म करने के लिए बर्बरीक के पास लेकर आए उन पांचों पांडवों को, और द्रौपदी माता भी साथ थी। बर्बरीक के पास आए तो भगवान ने कहा कि पांडवों को आप जो शौर्यवीर अपने को मान रहे हैं, बर्बरीक को पूछो, इसको ये बताएगा इसने युद्ध देखा है कौन सबसे। तो जैसे ही पूछा, शायद नकुल ने पूछी ये बात कि हम में से कौन सबसे बड़ा शूरवीर था, तो बर्बरीक हंस पड़े, जोर से ठाका मार गए। किसी शूरवीर के ऊपर हंसी करना ये बड़ा अपमान करना है। द्रौपदी माता कहती हैं कि बर्बरीक तुम इन पर हंसे क्यों, ऐसी हंसी करना क्या ठीक है तुम्हारा। बर्बरीक कहते हैं देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं इन पे हंसा नहीं केवल, लेकिन इन्होंने प्रश्न ही ऐसा किया, ये मेरे से ये प्रश्न कर रहे हैं हम में से शूरवीर कौन है जिसने सबसे ज्यादा योद्धा मारे हो, या ये युद्ध जीतने में हमने सबसे ज्यादा कार्य, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा, मैंने देखा इन पांचों में से कोई भी शूरवीर नहीं है। तो कहते ये फिर युद्ध अपने आप हो गया, कहते नहीं युद्ध तो हुआ लेकिन युद्ध में इन्होंने योद्धाओं को नहीं मारा, पांचों पांडवों ने, फिर किसने मारा। वैसे बर्बरी बोलने लगे, भगवान कृष्ण बस बर्बरी अब आगे नहीं बोलना, बस इतने पे रुक जाओ, अब नहीं बोलना आगे। जानबूझ के भगवान परीक्षा ले रहे हैं बर्बरी की कि वो धर्म सही बात बोलता है अच्छी पाव कर। बर्बरी कहते हे कृष्ण आज आप मना भी करेंगे तो भी मैं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा, सच्चाई को छुपा लिया मैंने, संसार को ये सच्चाई पता नहीं चल पाएगी, लीला वास्तव में ये खेल हुआ गया था कुरुक्षेत्र में। तब भगवान मुस्कुरा दिए, क्यों, फिर बर्बरी ने यह भी कहा छिपाव रखना भी झूठ बोलना है, बर्बरी ने ये बात कही, इसलिए मैं छिपाऊंगा मैं सत्य बोलूंगा। भगवान मुस्कुरा दिए। तब पांचों पांडव और द्रौपदी जो है उनको बताया बर्बरीक ने, मैंने जो अपनी आंखों से देखा इस युद्ध में किसी ने किसी को नहीं मारा, सबके अपने अपने कर्मों के कारण से, अपने अपने कर्म कह लो या अपने अपने पाप कर्मों के कारण से, जब जब जिसका समय आता था, जब जब जिसका वध होता था, अदृश्य रूप में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र साथ जाता था, अदृश्य रूप में दिखाई नहीं देता था। जिस समय में अर्जुन ने बाण चलाया कर्ण को मारने के लिए, देखने में लगा कि बाण ने कर्ण को मारा, लेकिन बाण से पहले सुदर्शन चक्र साथ साथ चल रहा था, सुदर्शन चक्र ने शीश पहले ही काट दिया था, उड़ा दिया था, कर्ण का बाद में मरा। या फिर द्रोणाचार्य का जब वध होना था, तलवार तो बाद में चली लेकिन उससे पहले ही सुदर्शन चक्र काम कर चुका था, शीश काट चुका था। इसे जब जब जिसका समय आया, उसके पाप कर्मों के कारण से उसका पाप का घड़ा भरा, तो परिणाम में सुदर्शन चक्र ने काम किया, अदृश्य रूप में देखने में आया, उसने उसको भाला मारा, उसने उसको तलवार मारी, उसने उसको बाण मारा, ये सब। तो ये है आध्यात्मिक जीवन के अंदर भौतिक दृष्टिकोण से यहाँ कोई भी बात को समझ नहीं सकेंगे आप, इसलिए वो दृष्टिकोण जो है प्रमाणिक मार्गदर्शन में, प्रमाणिक गुरु की कृपा से वो दृष्टि जागृत करनी होती है, जिससे ये सब चीजें अनुभव हो सके, इसका रियलाइजेशन हो सके हृदय में। ये पहले प्रश्न का उत्तर है आपके। हरे कृष्ण प्रभु जी, अच्छा लगा उसका आंसर मिल गया। और दूसरा प्रश्न था कि उसका कहना था कि ईश्वर जो है वो एक सत्ता है और एक विश्वास है, क्योंकि उसका कहना है कि जैसे कि इंडिया मैप जहाँ से फिनिश होता है उसके बाद अगर हम कहीं अमेरिका जाते हैं या फिर किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां तो ईश्वर नाम का कोई चीज है नहीं, वहां तो यीशु है या फिर कोई और चीज है। तो जो राम और कृष्ण जो ये है वो एक सत्ता है, एक विश्वास है, और बस भारत के अंदर है, और इसका आंसर क्या है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ समझने के लिए, अगर किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने अमेरिका नहीं देखा, अमेरिका में कैसा जीवन जिया जाता है नहीं देखा, और टीवी पे भी नहीं, उसको किसी तरह मालूम नहीं, तो वो कल्पनाएं करके कितना समझ लेगा इस बातों को अमेरिका के बारे में, कल्पनाएं करेगा मन के आधार पे, हाँ ऐसा होगा, हाँ वैसा होगा। या फिर श्रील प्रभुपाद एक डॉक्टर फ्रॉग का एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर फ्रॉग
डॉक्टर फ्रॉग मतलब एक मेंढक का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में। एक मेंढक कुएं के अंदर रहता था। अब कुएं के अंदर जन्म भी उसी में हुआ, बड़ा भी उसी में हुआ, पला बड़ा हुआ उसी कुएं में, कुएं से बाहर कभी निकला ही नहीं, कुएं के पानी में ही जीवन उसका कटता था। एक बार समुद्र का बहुत सारा पानी आके कुएं में गिर गया। समुद्र की लहरें उठती रहती हैं, तो लहर कोई ज्यादा उछाल आए होंगे, पानी आके कुएं में गिर गया समुद्र का, तो समुद्र का एक मेंढक आके गिर गया कुएं के अंदर पानी के साथ। तो अंदर जो पहले से डॉक्टर फ्रॉग रह रहा था, वो मेंढक जो अंदर वाला था, वो उस बाहर से नए आए मेंढक से पूछता है, भैया कहाँ से आना हुआ? तो वो मेंढक कहता है, भाई मैं तो समुद्र से आ रहा हूँ अभी। समुद्र से? अब वो बेचारे जिसका जन्म सब कुएं में हुआ, कुएं के थोड़े से उस पानी के अंदर, अब उसे कभी उससे बाहर कभी समुद्र देखा ही नहीं, दिखला ही नहीं बाहर, तो उसको कैसे पता समुद्र? तो अब वो अंदाजा सोचना शुरू कर दिया, अच्छा ये समुद्र क्या होता है? कहते उसमें बहुत सारा पानी होता है, उस मेंढक ने बताया समुद्र के बहुत सारा। अच्छा फिर सोचने लगा, अच्छा जितना इस कुएं में पानी है इसे दुगना होता होगा? वो कहता है, नहीं भैया दुगना नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। फिर सोचने लगा, दिमाग लगाने लगा, अच्छा चार गुना होता होगा इससे? कहते नहीं भैया चार गुना। फिर सोचने, फिर अच्छा आठ गुना। वो ऐसे कर करके पेट में हवा भी भरता जाता, बड़े आश्चर्य से बोलता था, अच्छा दो गुना, अच्छा चार गुना, चार पेट में हवा भरता। एक टाइम क्या हुआ, पेट में ज्यादा हवा भर जाने से पेट फट गया, उस मेंढक की मृत्यु हो गई, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पाया समुद्र में कितना पानी होता होगा। ठीक इसी तरीके से जो आध्यात्मिक जीवन में कभी अगर चले नहीं, जिनको योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिला नहीं, वो लोग अभी इतने तक भी हैं, तो ये भी एक तरह की स्टार्टिंग स्टेज में एक है। चलो इतना तो मान लें कि कोई सत्ता या विश्वास है, लेकिन इसके आगे बहुत सीढ़ियां अभी उनकी बाकी हैं। इससे अलावा बहुत सारे तो ऐसे जो ये भी नहीं मानते सत्ता और वो है विश्वास, भाई वो तो कहते सृष्टि में भगवान नाम की चीज ही नहीं होते, बस मैं ही हूं और सब कुछ है, बस सृष्टि अपने आप से चल रही है। अब वो सत्ता विश्वास तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद बहुत सीढ़ियां भी तय करनी बाकी है। और जब तक योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति नहीं मिलेगी, जब तक वो चाह नहीं करेंगे संगति की, तब तक भगवान जबरदस्ती नहीं देने वाले। और संगति के बिना, भक्तों के संग के बिना, अपने आप से फिलॉसफी ये बातें समझ नहीं आने वाली। इस धारणाओं के अंदर जीते जीते कई बार जीते मरते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहेंगे। जब जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के कष्टों को भोग भोग के थक जाएंगे, उस दिन कभी इच्छा करेंगे जानने की, तो भगवान कहते मैं तो पहले ही तैयार था भाई। सब जीवों के हृदय में, क्या अमेरिका में जो रहते क्या उनके हृदय में नहीं है कृष्ण? अगर नहीं होते मान लिया जाए, तो पूरी दुनिया में हरे कृष्ण कीर्तन क्या चल रहा है? ये फोर्ड गाड़ी का मालिक जो है, ये सुबह मंगल आरती में हम जब थे अमेरिका में, शिकागो के अंदर, शिकागो था ये कोई और जगह थी, वहां पे हम मंदिर में थे, तो वहां पे ये आया हुआ था। मंगल आरती नियम से आता है, अमेरिकन है, चोटी रखी हुई है, कंठी लगाई है, तिलक लगाया है, धोती कुर्ता पहन के सुबह 4:30 मंगल आरती अटेंड करने आया है। बताइए क्या आवश्यकता उसको आने की? और 16 माला नियम से जप करता है, प्याल लहसुन चाय कॉफी नहीं लेता बिल्कुल भी। अब बताइए बता, उसके अमेरिकन के हृदय में कृष्ण कहां से आगे घुस गए मेरे को ये बताइए फिर। अगर कृष्ण है नहीं अमेरिका के अंदर, अगर रशिया में नहीं है, तो 190 सेंटर कैसे चल रहे हैं वहां पे, और उन्हीं के लोगों से चल रहे हैं। इंडियन को सप्लाई नहीं किया हमने वहां पे जाके हमारी संस्था ने, और लाखों करोड़ों रुपया वो डॉलर्स डोनेट करते हैं अपनी वहां की करेंसी को, और फिर अपना वहां पे खूब प्रसाद बांटना, भगवान कृष्ण को भोग लगा के राधा रानी को, और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप यूट्यूब में जाइए देख लीजिए सब वीडियो। इतना ही नहीं, कोने को पाकिस्तान में 12 सेंटर्स चल रहे हैं, चाइना के अंदर सेंटर्स चल रहे हैं, जापान में चल रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में चल रहे हैं, इटली में चल रहे हैं, सिंगापुर में चल रहे हैं, दुबई में चल, कहां नहीं है कृष्ण भक्ति का? तो आप कैसे कहते हैं कृष्ण मां नहीं है? लेकिन आपकी आंखें, जो अर्जुन को भगवान ने कहा, जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं आपकी जागी है, तब तक आपको कृष्ण नहीं दिख रहे। इसलिए आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपके मन का अभी स्तर उतना है, आपको लगता है कि ये केवल एक सत्ता या विश्वास मात्र है। लेकिन सारा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, ऐसे असंख्य यूनिवर्स, ये तो एक ब्रह्मांड की बात, असंख्य ब्रह्मांड केवल भगवान कृष्ण के एक अवतार रूप में, जो उनके विस्तार हैं अनंत शेष बलराम जी, उनके असंख्य फनों पे, एक एक फन के ऊपर एक एक ब्रह्मांड ऐसे टिका है जैसे एक राई का दाना ऐसे संभाला हुआ। राई के दाने का कितना वेट होता है आप हाथ में लीजिए, ऐसे फन पे धारण कर रखा है। और वो अनंत शेष भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर रहते हैं, बलराम दाऊ दादा जो है उनके साथ रहते लीला के।
तो जब तक प्रमाणिक गुरु का जब तक योग्य मार्गदर्शन तक वो नहीं पहुंचेंगे तब तक स्वाभाविक बात है अपने आप से तो डॉक्टर इंजीनियर कोई भी घर पे नहीं बन पाएगा। अगर वो कहते हैं इससे आगे हमें तो समझ हम तो जो समझते हैं वही सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप उतने पे ही चलिए, फिर दोबारा बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र में थोड़ी ठुकाई पिटाई हो जाएगी तो दिमाग सेट हो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी भोगते हुए आप चाहें तो इसी जन्म में इन फिलोसफी को इसको समझिए गीता और भागवत के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। गीता भागवत से हटकर अगर कोई भी बात करे इसका मतलब वो बदमाश है, बस ठग है, वो लोगों को ठग रहा है। हमें तो वैदिक ग्रंथों के आधार पर जो भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, जो भगवान कृष्ण के अवतार है, हम तो उनके आधार पर ये सब बात इसको समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और आगे प्रयास कर रहे हैं गुरु गौरंग राधा कृष्ण कृपा से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं उस अनुभवों को। तो जब तक वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कैसे, अब प्राइमरी का बच्चा कहे मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पीएचडी में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो समझ आएगा कैसे जब तक वो योग्यता अभी तक हासिल नहीं की उन्होंने, जब तक उस स्थिति तक उनका विकास नहीं हुआ बुद्धि का उस लेवल तक, तो वो चीज के लिए तो उन्हें समझना होगा, नहीं समझेंगे तो समय समझा देगा। साम दाम दंड भेद चार तरीके हैं, पहले प्रेम से बात बताएंगे, प्रेम से नहीं समझ आता कुछ लालच देंगे भगवान, लालच से भी नहीं समझता तो पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट भी नहीं तो ठीक है जाओ 84 लाख योनियों में मृत्यु चाहिए, भेद दूरी बना लेना। ये भगवान का तरीका है जो इस संसार में जिसके माध्यम से जीवात्माओं को उत्थान के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। भक्तों की संगति भी है लेकिन संग करने के लिए मुझे भी तो उत्सुक होना पड़ेगा, मुझे भी तो इच्छा करनी होगी ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, चाह को रहा। अब इच्छा ही नहीं करूंगा मैं मुझे नहीं सुननी ये सब बातें, नहीं सुननी तो कौन जबरदस्ती सुनाना चाहता है भाई आपको। भगवान कहते हैं मैं उन लोगों को भी भक्तों को भी मिलता हूं, उनको भी दर्शन देता हूँ। अरे भगवान कृष्ण भक्तों को दर्शन देते हैं अपने द्विभुज श्याम सुंदर रूप में, बांसुरी धारण किए, ऐसा सुंदर कमल, ऐसा स्वरूप उनका, तो भगवान अभक्तों को भी दर्शन देते हैं, ये नहीं कि अभक्तों को ऐसा रखते हैं, लेकिन कैसे देते दर्शन, मृत्यु सर्वस्व हरश्चाहम काल के रूप में, भय ऐसा भयानवय रूप उनका देख कि उनके मल मूत्र कपड़ों में छूट जाते हैं, मृत्यु रूप में आते हैं सबकी छुट्टी, रावण कंस सबका सफाया करती है मृत्यु रूप में आकर, जब कृष्ण रूप में नहीं जानना चाहो उनको तो ठीक है मृत्यु रूप में जानी, तो ऐसे लोगों को मृत्यु रूप में आलिंगन करते हैं भगवान मिलते हैं। इच्छा हमारी है हम मृत्यु काल के रूप में जानना चाहते हैं भयभीत, जैसे इतने डरावने उनके उस भयभीत करने वाले रूप में विकराल, या फिर भगवान कृष्ण के सुंदर सा श्याम सुंदर रूप, पीतांबर धारण किए, कानों में कुंडल वेणु धारण किए अधरों पर, और ऐसे तिरछे खड़े हुए ऐसे आनंद रूप, उस रूप में उनको जान वैसे जान लीजिए, आप जैसे जानना चाहे कृष्ण कहते मैं वैसे ही तैयार हूं तुम्हें मिलने के लिए, तुम जैसी इच्छा करो वैसे मिलो। तो हम क्यों ना कृष्ण रूप में इच्छा करें भाई, हम क्यों करें ऐसे भयानवय रूप को, हमें नहीं देखना ऐसा मृत्यु रूप, ये प्रभु उन्हीं को दिखाइए जो असुर है, हमें नहीं देखना, हमें तो आपका वही द्विभुज बांसुरी वाला वो हमें तो वही रूप प्रिय है बस, जो गोपियों को गोप बालकों को प्रिय था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी आज टाइम भी हो गया तो मेरे पीछे सभी तो रही है, आवाज रिपीट होने लगती है इसमें जो पीछे सभी महामंत्र मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।